नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है फन एंड फ्रस्ट्रेशन F3 और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। F3 फन एंड फ्रस्ट्रेशन अनिल रवि पुंडी द्वारा लिखित और निर्देशित 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। दिलराजू और सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में F2 का एक स्टैंडअलोन सीक्वल है और फन एंड फ्रस्ट्रेशन सीरीज का दूसरा भाग है। इसमें वेंकटेश रघुवन तेज, तमन्ना और मेहरीन बिरजादा है। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म का संगीत तैयार किया है। फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2020 में शुरू हुई और जनवरी 2020 में समाप्त हुई। ये फिल्म दुनिया भर में 27 मई 2022 को रिलीज हुई और दुनिया भर में 1.34 बिलियन की कमाई की महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। वेंकी जो हैदराबाद में एक RTO के एक बैंक के रूप में काम करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। अनुदा के पीड़ित है लेकिन अपनी विकलांगता को सभी के बताता है। उसके दोस्त वरुण यादव एक अनाथ लाने वाला पैसा बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को योजना बनाते हैं लेकिन कहीं फायदा नहीं हुआ। विकी अपने दोस्त के साथ फरीदा के पारिवारिक रेस्तरां में विदेश करने के बाद अपना बहुत सारा पैसा खो देता है। पैसे की तलाश में वरुण गलती से सनी खड़िका के बहन के एक अमीर महिला समझ लेता है और उससे शादी करने की योजना बनाते हैं। बैंकी वरुण की योजना बनाने के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाते हैं। हनी को उसकी विकलांगता के कारण पहुंचाने के विफल रहते हैं। विकी और वरुण एक स्थानीय जमींदार पाला बेबी से अपने संगीपति उपहार नगद देकर लाखों रुपए खर्च करने के वो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जबकि हरी का परिवार अपना सारा पैसा शहरों में खो देता है। पाला बेबी जो महिलाओं को पूजा करता है, हरिका के परिवार के कांटों पूर्ण परिका के समझौते के बाद कर्ज माफ करने की योजना बनाने के छोड़ देता है। वे सभी अपने मामले को निपटने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां CI नागार्जुन एक ईमानदार पुलिसकर्मी जो अपनी नौकरी खो देता है कगार पर है। अवैध रूप से अर्जित नौकरी और हीरो का चुराने के लिए आयुक्त दिलीप चंद्र के पर छापा मारने की योजना बनाते हैं। सफलतापूर्वक अपनी योजना को क्रियान्वित करने के और गेमिंग के सामान का एक स्क्रिप्ट करने के बूट में छिपा गया है। पैसा करते हुए वे एक अपहृत लड़की को भी चुराते हैं। अगली सुबह वे डर के मारे दिलीप के सामने अपनी डकैती कबूल करते हैं। हालांकि उगार गायब हो जाते हैं और चोरी की रकम वापस न करने का दिलीप को अपनी जान का खतरा है। जब बैंक वरुण हरिका नागराज अहमद वरने के वाले होते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि अरमबीत आनंद शर्मा अपने उड़ाऊ बेटे की तलाश कर रहे हैं। वे उसके स्थान पर जाने का फैसला करते हैं और उसकी बदमती को चुराने के लिए खुद को उसके बेटा को दबा करते हैं। हालांकि आत्महत्या करने के उसकी योजना के बारे में लगभग मर जाते हैं। शुक्र के दुर्भाग्य अवसर पर बचा जाते हैं। वे सभी विजय गर्म में
उस स्थान पर पहुंचते हुए कि वरुण खड़ी का एक पुरुष भेष और नागार्जुन द्वारा किया है और ये एक जूनियर कलाकार खुद को आनंद के बेटे के रूप में प्रस्तुत करता है। सही व्यक्ति कौन है इस बारे में अनिश्चित आनंद भी तो उनके महल में रहता है। वे एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाने की आनंद को प्रभावित करने में पूरी तरह खुल रहते हैं। सभी दावेदार आनंद द्वारा की गई कठिन से कठिन परीक्षा में पहले अंतिम प्रवास के रूप में आनंद से घोषणा की कि जो कोई भी अपने F3 खिलौने कारखाने की मुनाफे के लगाएंगे उसे उसका उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। अपने मतभेदों के एक तरफ रखते हुए सभी दावेदार एक साथ मिलकर लाभ प्राप्त करने के लिए एक नए प्रकार का लेखन बनाते हैं। तेलुगु फिल्म में ये पात्रों अमरेश बाहुबली, भब्बर सिंह, अजय कृष्णा, वीरा राघवन, चिप्पी बाबू और बाबू विकी वीरेंद्र कांस्टेबल खिलौने के एक सेट विकसित करते हैं। विकी अहमद छुपी है और फैक्ट्री मुनाफा कमाती है। वे एक साथ वरुण का चुनाव करने और आनंद को अपने असली उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि आनंद के खुलासा किया कि उन्होंने बिट्टी के कई साल पहले धोखे से मेरा पैसा कमाने के बाद आत्महत्या कर ली है, इसी चूंकि उन्होंने अपनी पिन पोती को बचा लिया था। अनंत ने उनकी खुद को साबित करने के अनुमान दिए और द्वारा कमाए गए लाभ की पेशकश की। बेची और वरुण को अपनी गलती का एहसास होती है और वे पैसे छोड़ देता है। बाद में अनंत का आपके अधीनस्थी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है जो 100 करोड़ की फिरौती मांगते हैं। बैंकों वरुण और अन्य लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं लेकिन गुंडों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। ब्रॉन्क्स में वे उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है लेकिन जब योजना विफल हो जाती है तो बैंकों तरम और तरुण के वकील साहब के रूप में तैयार करते हैं गुंडों की एक साथ विदाई करते हैं। जब वे जाने की कोशिश करने होते हैं पुलिस आती है और सभी को गिरफ्तार करती है। इस बीच कार चुराने वाले चोर ने दिलीप को बताया कि उसने सभी हीरो की नियमित रत्न समझकर रास्तों को हथकरघा दिया और बाद में अपने खरीदगी के समर्थन से विधायक के रूप में निर्वाचित हो जाता है। दिलीप जो अपने बाहर होने जाता है तो नौकरी उसके साथ एक सहायक के रूप में जुड़ती है। लाला वेंकटेश वेंकी के रूप में, वरुण तेज वरुण यादव के रूप में, तमन्ना हरिका के रूप में, महरीन देरवाजा हनी के रूप में, राजेंद्र प्रसाद के रूप में, CI नागार्जुन, मुरली शर्मा, आनंद प्रसाद के रूप में, मुस्लिम कुट्टी सेनू के रूप में, अमरीका लड़की के रूप में, सोनल चौहान जूनियर कलाकार के रूप में, बेनेला किशोर, गुड्डी वाला मुरुगदासन के बेटे अली वाला बेबी के रूप में, संपत राज कमिश्नर, दिलीप चंद्र के रूप में, बैंकी के साथी के रूप में, रघु बाबू, तुलसी बैंकी के सतोली माँ के रूप में, बेकी के पिता के रूप में, गोपनाथ राजू, बेकी के सतोले भाई के रूप में, संयुक्त वर्मा, सत्य चोर के रूप में, प्रगति बद्दा, हरिका और हनी की माँ के रूप में, हरिका और हरी के पिता के रूप में, प्रदीप कंडीवार्थी, हरिका और हनी की नानी के रूप में, भाई विजय अन्नपूर्ण, हरिका और हरी की नानी के रूप में, श्रीकांत जयकांत शर्मा के रूप में, आनंद प्रसाद के सहायक पृथ्वीराज बेबले इंजार के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में, तन्नती केला भरदी भूमि मालिक के रूप में, मनु प्रदर्शन भूमि मालिक की पत्नी के रूप में, राजीना हनी के ड्राइवर के रूप के, बासु इंद्रनी गुड्डी के रूप में, दिव्या शिवाता विशाल मित्तल के बेटी के रूप में, बुल चिटिबुली के बिगर के रूप में, मीट ऑफ सीनू दिव्योशी मोहन बुल चिटिबाबू के प्रोजेक्टन के रूप में, पूजा हेगड़े खुद के रूप में, लाइक अंत रिट्टा दला गीत के कैमियो उपस्थिति, अनिल अभिमुंडी स्वयं के रूप में, अवस्थाई अस्थाई उत्पादन विकास F2 सफलता के बाद फन एंड फंडस्टेशन 2019 स्टूडियो के मालिक दिल राजू ने फरवरी 2019 में इसके सीक्वल की घोषणा की। ये कहा कि सीक्वल के लिए तीसरे मुख्य अभिनेता की कास्ट किया जाएगा। हालांकि अप्रैल 2020 में निर्देशक रवि मूडी ने स्पष्ट किया कि तीसरे नायक के लिए बहुत कम जगह थी। मार्च 2021 के एक साक्षात्कार में रवि मूडी ने कहा F3 F2 का प्रत्यक्ष सीक्वल नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई कहानी जहाँ लेट प्रेस का कारण निराश होने के लिए दिखाया जाता है। अमिताभ वर्मा और कर्मचारी अगली कड़ी में विक्रम तेज प्रसाद, तमन्ना और फिर ज्यादा अपनी भूमिकाओं के दोहरा रहते हैं। F2 के लिए संगीत तैयार करने वाली ABC प्रसाद को संगीतकार के रूप में बरकरार रखा गया है। सुनील और मुरली शर्मा ने फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अकांत कर किया। अप्रैल 2021 में ये बताया गया है कि अंगली को फिल्म में लिया गया था, हालांकि कभी तक कई आधिकारिक संचार नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद भी एक अलग भूमिका के साथ वापसी के लिए तैयार थे। वेंकटेश एक अनोदी की भूमिका निभाते हैं जबकि तेज का चरित्र हल्केप्रीत होगा। सुनील चौहान ने अपनी भूमिका के आश्चर्य बनाने के लिए अक्टूबर 2021 में फिल्म के अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। अप्रैल 2021 में पूजा हेगड़े का एक विशेष गीत के लिए साइन किया गया।
था। रानी वेव टू का औपचारिक रूप से 6 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 26 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई। वरुण तेज जनवरी 2021 में निर्माण से शामिल हो गए हैं। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल से जून तक फिल्मांकन रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में 10 दिन के लंबे शेड्यूल के साथ फिल्मांकन फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि फिल्मांकन दिसंबर 2021 में फिर से शुरू हुआ। दिसंबर 2021 में 4 मीनार में फिल्मांकन हुआ और लगभग 65% शूटिंग पूरी हो चुकी है। टॉकी के हिस्से जनवरी 2022 में लपेटे गए थे और केवल एक गाने की शूटिंग बाकी थी। हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष गीत अप्रैल 2022 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर निभाया गया था। F2 27 मई 2022 को रिलीज किया गया था। हिस्से में पहले इसे 27 अगस्त 2021 में रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इसे बाद में 25 फरवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन इमरान नायक के साथ टकराव के बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था, जो इस तारीख को रिलीज हुई थी। इसकी रिलीज की तारीख 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की हुई थी, लेकिन इसे फिर से लंबित किया गया था। आचार्य के साथ टकराव से बचने के लिए इसे वर्तमान तिथि में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्म का रिलीज पूर्व थिएटर वेबसाइट 72 करोड़ था और एक लाभदायक आक्रमक बनने के लिए 130 करोड़ से अधिक की बिस्टिक सकल हो सकता है। होम मीडिया फिल्म के ऊपर अधिकांश के लिए तेलुगु में बेचे गए, जबकि डिजिटल वितरक अधिकार सोनी लिव और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है। F3 के 22 जुलाई 2022 को सोनी लिव और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। स्वागत समारोह अमित राजवाब F3 को आमतौर पर आलोचकों से कलाकारों और निर्देशकों के लिए प्रशंसा के साथ अनुकूल प्रतीक्षा मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के लिए लिखने हुए मुरली कृष्णा ने F3 को हंसी दंग कहा। इसे अपने पूर्ववर्ती से बेहतर मानते हुए कृष्णा ने अनिल रविपुरी से मेहनत और प्रदर्शन विशेष रूप से वेंकटेश और तेज की प्रशंसा की। उसी की प्रतिद्वंदी करते हुए द हिंदू ने संगीता देवी डंडू ने कहा, कॉमेडी जायजी हालांकि आसमान पर्याप्त हंसी लाती है। ये वेंकटेश कम चमकते हैं। द न्यूज मिनट के बालकृष्ण गणेश ने फिल्म को 5 में से 5 रेटिंग दी और लिखा, F3 ने ज्यादा फ्लॉट नहीं है, लेकिन कॉमेडी एटेंड्स के एक श्रृंखला दर्शकों को बांधे हुए रखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के जीत नयनतापति ने फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और F3 की तुलना गोलमाल जैसे कि इसे लाउंड से भी कभी कभी फनी करार दिया। पिंक विला के अरविंद ने भी फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और लिखा, वेंकटेश का प्रदर्शन चुनाव वर्ती कुछ अन्य लोगों के दृढ़ विश्वास दिखा, लेकिन किसी तरह उसमें अधिकार को एक तारीख उपस्थिति बनाने के लिए नहीं मिला। 3.4 बिलियन की कमाई की महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। बैंकी जो हैदराबाद में एक RTO के एक बैंकर के रूप में काम करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। अनुदा के पीड़ित है, लेकिन अपनी विकलांगता को सभी के बताता है। उसके दोस्त वरुण यादव एक अनाथ लाने वाला पैसा बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को योजना बनाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विकी अपने दोस्त के साथ फरीदा के पारिवारिक रेस्तरां में विदेश करने के बाद अपना बहुत सारा पैसा खो देता है। पैसे की तलाश में वरुण गलती से सनी खड़िया के बहन के एक अमीर महिला को समझ लेता है और उससे शादी करने की योजना बनाते हैं। बैंकी वरुण की योजना बनाने के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाते हैं। हनी को उसकी विकलांगता के कारण पहुंचाने के विफल रहते हैं। विकी और वरुण एक स्थानीय जमींदार पहला बेबी से अपनी संपत्ति उपहार नगद देकर लाखों रुपए खर्च करने के वो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जबकि हरि का परिवार अपना सारा पैसा शहरों में खो देता है। पाला बेबी जो महिलाओं को पूजा करता है, हरिका के परिवार के काटो पूर्णा हरिका के समझौते के बाद कर्ज माफ करने की योजना बनाने के छोड़ देता है। वे सभी अपने मामले को निपटने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, जहाँ CI नागार्जुन एक ईमानदार पुलिसकर्मी जो अपनी नौकरी खो देता है कगार पर है। अवैध रूप से अर्जित नौकरी और हीरो का चुराने के लिए आयुक्त दिलीप चंद्र के पर छापा मारने की योजना बनाते हैं। सफलतापूर्वक अपनी योजना को क्रियान्वित करने के और गेमिंग के सामान का एक स्क्रिप्ट करने के बूट में छिपा गया है। पैसा करते हुए वे एक अपहृत लड़की को भी चुराते हैं। अगली सुबह वे डर के मारे दिलीप के सामने अपनी डिकोती कबूल करते हैं, हालांकि उगार गायब हो जाते हैं और चोरी की रकम वापस न करने का दिलीप को अपनी जान का खतरा है। जब बैंक वरुण हरिका नागराज अहमद व बनने के वाले होते हैं तो उन्हें
खबर मिलती है कि अरमबीत आनंद शर्मा अपने उड़ाऊ बेटे की तलाश कर रहे हैं। वे उसके स्थान पर जाने का फैसला करते हैं और उसकी बदमती को छुड़ाने के लिए खुद को उसके बेटा को दबा करते हैं। हालांकि आत्महत्या करने के उसकी योजना के बारे में लगभग मर जाते हैं। शुक्र के दुर्भाग्य अवसर पर बचा जाते हैं। वे सभी विजय गर्म में स्थान पर पहुंचते हुए कि वरुण घड़ी का एक पुरुष भेष और नागार्जुन द्वारा किराए पर ये एक जूनियर कलाकार खुद को आनंद के बेटे के रूप में प्रस्तुत करता है। सही व्यक्ति कौन है इस बारे में अनिश्चित आनंद रवि को उनके महल में रहता है। वे एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाने की आनंद को प्रभावित करने में पूरी तरह फल रहते हैं। सभी बावेदार आनंद द्वारा की गई कठिन से कठिन परीक्षा में पहले अंतिम प्रवास के रूप में आनंद से घोषणा की जो कोई भी अपने F3 खिलौने कारखाने की मुनाफे के लगाएंगे उसे उसका उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। अपने मतभेदों के एक तरफ रखते हुए सभी दावेदार एक साथ मिलकर लाभ प्राप्त करने के लिए एक नए प्रकार का लेखन बनाते हैं। तेलुगु फिल्म में ये पात्रों अमरेश बाहुबली, भब्बर सिंह, अजय कृष्णा, वीरा राघवन, चिब्बी बाबू और बाबू ही की वीरेंद्र कांस्टेबल खिलौने के एक सेट विकसित करते हैं। विक्की अहमद छुपी है और फैक्ट्री वंशत मुनाफा कमाती है। वे एक साथ वरुण का चुनाव करने और आनंद को अपने असली उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि आनंद के खुलासा किया कि उन्होंने बिट्टी के कई साल पहले धोखे से पैसा कमाने के बाद आत्महत्या कर ली गई थी, जो कि उन्होंने अपनी पिन पोती को बचा लिया था। अनंत ने उनकी खुद को साबित करने के अनुमान दिए और उन्हें द्वारा कमाए गए लाभ की पेशकश की बेची और वरुण को अपनी गलती का एहसास होती है और वे पैसे छोड़ देता है। बाद में अनंत का आपके अधीनस्थी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो 100 करोड़ की फिरौती मांगते हैं। बैंकों वरुण और अन्य लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं, लेकिन गुंडों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। ब्रॉन्क्स में वे उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन जब योजना विफल हो जाती है तो बैंकों तरुण और तरुण के वकील साहब के रूप में तैयार करते हैं। गुंडों की एक साथ पिटाई करते हैं। जब वे जाने की कोशिश करने होते हैं, पुलिस आती है और सभी को गिरफ्तार करती है। इस बीच कार चुराने वाले चोर ने दिलीप को बताया कि उसने सभी हीरो की नियमित रत्न समझकर रास्तों को हथकरघा दिया और बाद में अपने खरीदगी के समर्थन से विधायक के रूप में निर्वाचित हो जाता है। दिलीप जो अपने बाहर होने जाता है तो नौकरी उसके साथ एक सहायक के रूप में जुड़ती है। टनला वेंकटेश वेंकी के रूप में, वरुण तेज वरुण यादव के रूप में, तमन्ना हरिका के रूप में, महरीन देरवाजा हनी के रूप में, राजेंद्र प्रसाद के रूप में, CI नागार्जुन, मुरली शर्मा, आनंद प्रसाद के रूप में, मुरली कुट्टी सेनू के रूप में, अमरीका लड़की के रूप में, सोनल चौहान जूनियर कलाकार के रूप में, बेनेला किशोर गुट्टी वाला, मुरुगदासन के बेटे अली वाला बेबी के रूप में, संपत राज कमिश्नर दिलीप चंद्र के रूप में, बैंकी के साथी के रूप में, रघु बाबू तुलसी बैंकी के सतोली माँ के रूप में, बेकी के पिता के रूप में, गोपनाथ राजू बेकी के सौतेले भाई के रूप में, संयुक्त वर्मा सत्य चोर के रूप में, प्रगति बरपद्दा हरिका और हनी की माँ के रूप में, हरिका और हरी के पिता के रूप में, प्रदीप कंडीवार्थी हरिका और हनी की नानी के रूप में, भाई विजया अनुपूर्ण हरिका और हरी की नानी के रूप में, श्रीकांत जयकांत शर्मा के रूप में, आनंद प्रसाद के सहायक पृथ्वीराज बेवले इंजार के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में, तन्नति केला भर्दी भूमि मालिक के रूप में, पंडु प्रदर्शन भूमि मालिक की पत्नी के रूप में, राजीना हनी के ड्राइवर के रूप के, वासु इंद्रनी गुड्डी के रूप में, दीपा निशिवाता विशाल मित्तल के बेटी के रूप में, बुल चिटिबुली के बिगर के रूप में, मीट ऑफ सीनू दीपोशी मोहन बुल चिटिबाबू के प्रोजेक्टन के रूप में, पूजा हेगड़े खुद के रूप में, लाइक अंतरिट्टा दला गीत के कैमियो उपस्थिति, अनिल अभिमुंडी स्वयं के रूप में, अवस्थाई अस्थाई उत्पादन विकास F2 फलता के बाद फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 स्टूडियो के मालिक दिल राजू ने फरवरी 2019 में इसके सीक्वल की घोषणा की। ये कहा कि सीक्वल के लिए तीसरे मुख्य अभिनेता की कास्ट किया जाएगा। हालांकि अप्रैल 2020 में निर्देशक रवि मूडी ने स्पष्ट किया कि तीसरे नायक के लिए बहुत कम जगह थी। मार्च 2021 के एक साक्षात्कार में रवि मूडी ने कहा, F3 F2 का प्रत्यक्ष सीक्वल नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई कहानी जहाँ लेट प्रेस का कारण निराश होने के लिए दिखाया जाता है। अमिताभ वर्मा और कर्मचारी अगली कड़ी में विक्रम तेज प्रसाद, तमन्ना और
फिर ज्यादा अपनी भूमिकाओं के दोहरा रहते हैं। छोटू के लिए संगीत तैयार करने वाली देवीश्री प्रसाद को संगीतकार के रूप में बरकरार रखा गया है। सुनील और मुरली शर्मा ने फिल्म की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पसंद कर किया। अप्रैल 2021 में ये बताया गया है कि अंजलि को फिल्म में लिया गया था, हालांकि अभी तक कई आधिकारिक संचार नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद भी एक अलग भूमिका के साथ वापसी के लिए तैयार थे। वेंकटेश एक अनोदी की भूमिका निभाते हैं, जबकि तेज का चरित्र हल्कित प्रीत होगा। सुनील चौहान ने अपनी भूमिका के आश्चर्य बनाने के लिए अक्टूबर 2021 में फिल्म के अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। अप्रैल 2021 में पूजा हेगड़े का एक विशेष गीत के लिए साइन किया गया था। गाने वेव 2 का औपचारिक रूप से 6 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 26 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई। वरुण तेज जनवरी 2021 में निर्माण से शामिल हो गए हैं। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल से जून तक फिल्मांकन रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में 10 दिन के लंबे शेड्यूल के साथ फिल्मांकन फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि फिल्मांकन दिसंबर 21 में फिर से शुरू हुआ। दिसंबर 21 में 4 मीनार में फिल्मांकन हुआ और लगभग 65% शूटिंग पूरी हो चुकी है। टॉकी के हिस्से जनवरी 2022 में लपेटे गए थे और केवल एक गाने की शूटिंग बाकी थी। हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष गीत अप्रैल 2022 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर निभाया गया था। F2 27 मई 2022 को रिलीज किया गया था। हिस्से में पहले इसे 27 अगस्त 2021 में रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इसे बाद में 25 फरवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन शिमला नायक के साथ टकराव के बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था, जो इस तारीख को रिलीज हुई थी। इसकी रिलीज की तारीख 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे फिर से लंबित किया गया था। आचार्य के साथ टकराव से बचने के लिए इसे वर्तमान तिथि में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्म का रिलीज पूर्व थिएटर व्यवसाय 72 करोड़ था और एक लाभदायक आक्रमक बनने के लिए 130 करोड़ से अधिक की विस्तृत सफल हो सकता है। होम मीडिया फिल्म के उपलब्ध अधिकांश के लिए तेलुगु में बेचे गए, जबकि डिजिटल वितरक अधिकार सोनी लिव और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है। F2 F3 के 22 जुलाई 2022 को सोनी लिव और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। स्वागत समारोह अमित राजवाब F3 को आमतौर पर आलोचकों से कलाकारों और निर्देशकों के लिए प्रशंसा के साथ अनुकूल प्रतीक्षा मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के लिए लिखने हुए मुरली कृष्णा ने F3 को हंसी दंग कहा। इसे अपने पूर्ववर्ती से बेहतर मानते हुए कृष्णा ने अनिल रविपुरी से मेहनत और प्रदर्शन विशेष रूप से वेंकटेश और तेज की प्रशंसा की। उसी की प्रतिबंधी करते हुए द हिंदू ने संगीता देवी दंडू ने कहा, कॉमेडी फ्रेंचाइजी हालांकि आसमान पर्याप्त हंसी लाती है। ये वेंकटेश कम चमकते हैं। द न्यूज मिनट के बालकृष्ण गणेशन ने फिल्म को 5 में से 5 रेटिंग दी और लिखा, F3 ने ज्यादा फ्लॉट नहीं है, लेकिन कॉमेडी रिटर्न्स के एक श्रृंखला दर्शकों को बांधे हुए रखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के निश्चित नयनता पति ने फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और F3 की तुलना गोलमाल जैसे कि इसे लाउंड से भी कभी कभी फनी करार दिया। पिंक मिला के अरविंद ने भी फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और लिखा, वेंकटेश का प्रदर्शन चुनाव वृत्ति कुछ अन्य लोगों के दृढ़ विश्वास दिखा, लेकिन किसी तरह उसमें अधिकार को एक तारीख उपस्थिति बनाने के लिए नहीं मिला। 3.4 बिलियन की कमाई की महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। वेंकी जो हैदराबाद में एक RTO के एक बैंक के रूप में काम करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। अनुदा के पीड़ित है, लेकिन अपनी विकलांगता को सभी के बताता है। उसके दोस्त वरुण यादव एक अनाथ लाने वाला पैसा बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को योजना बनाते हैं, लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। विकी अपने दोस्त के साथ फरीदा के पारिवारिक रेस्तरां में विदेश करने के बाद अपना बहुत सारा पैसा खो देता है। पैसे की तलाश में वरुण गलती से सनी खड़िया के बहन के एक अमीर महिला समझ लेता है और उससे शादी करने की योजना बनाते हैं। बैंकी वरुण की योजना बनाने के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाते हैं। हनी को उसकी विकलांगता के कारण पहुंचाने के विफल रहते हैं। विकी और वरुण एक स्थानीय जमींदार पाला बेबी से अपने संपत्ति उपहार नगद देकर
लाखों रुपए खर्च करने के वो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जबकि हरि का परिवार अपना सारा पैसा शहरों में खो देता है। पाला बेबी जो महिलाओं को पूजा करता है, हरिका के परिवार के कांटों पूर्ण परिका के समझौते के बाद कर्ज माफ करने की योजना बनाने के छोड़ देता है। वे सभी अपने मामले को निपटने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, जहाँ CI नागार्जुन एक ईमानदार पुलिसकर्मी जो अपनी नौकरी खो देता है कगार पर है। अवैध रूप से अर्जित नौकरी और हीरो का चुराने के लिए आयुक्त दिलीप चंद्र के पर छापा मारने की योजना बनाते हैं। सफलतापूर्वक अपनी योजना का क्रियान्वित करने के और केमिक के सामान का एक स्क्रिप्ट करने के बूट में छिपा गया है। पैसा करते हुए वे एक अपहृत लड़की को भी चुराते हैं। अगली सुबह वे डर के मारे दिलीप के सामने अपनी डिकोती कबूल करते हैं। हालांकि उगार गायब हो जाते हैं और चोरी की रकम वापस ना करने का दिलीप को अपनी जान का खतरा है। जब बैंक वरुण हरिका नागराज अहमद मरने के वाले होते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि अरमबीत आनंद शर्मा अपने उड़ाऊ बेटे की तलाश कर रहे हैं। वे उसके स्थान पर जाने का फैसला करते हैं और उसकी बदमती को चुराने के लिए खुद को उसके बेटा को दबा करते हैं। हालांकि आत्महत्या करने के उसकी योजना के बारे में लगभग मर जाते हैं। शुक्र के दुर्भाग्य अवसर पर बचा जाते हैं। वे सभी विजय गर्म में उस स्थान पर पहुंचते हुए कि वरुण हरिका एक पुरुष भेष है और नागार्जुन द्वारा किराए पर यह एक जूनियर कलाकार खुद को आनंद के बेटे के रूप में प्रस्तुत करता है। सही व्यक्ति कौन है इस बारे में अनिश्चित आनंद भी को उनके महल में रहता है। वे एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाने की आनंद को प्रभावित करने में पूरी तरह फल रहते हैं। सभी दावेदार आनंद द्वारा की गई कठिन से कठिन परीक्षा में पहले अंतिम प्रवास के रूप में आनंद से घोषणा की कि जो कोई भी अपने F3 खिलौने कारखाने की मुनाफे के लगाएंगे उसे उसका उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। अपने मतभेदों के एक तरफ रखते हुए सभी दावेदार एक साथ मिलकर लाभ प्राप्त करने के लिए एक नए प्रकार का लेखन बनाते हैं। तेलुगु फिल्म में ये पात्रों अमरेश बाहुबली, भब्बर सिंह, अजय कृष्णा, बीरा राघवन, चिब्बी बाबू और बाबू की वीरेंद्र कांस्टेबल खिलौने के एक सेट विकसित करते हैं। विक्की अहमद छुपी है और फैक्ट्री मुनाफा कमाती है। वे एक साथ वरुण का चुनाव करने और आनंद को अपने असली उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि आनंद के खुलासा किया कि उन्होंने बिट्टी के कई साल पहले धोखे से पैसा कमाने के बाद आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उन्होंने अपनी पिन पोती को बचा लिया था। आनंद ने उनकी खुद को साबित करने के अनुमान दिए द्वारा कमाए गए लाभ की पेशकश की बेची और वरुण को अपनी गलती का एहसास होती है और पैसे छोड़ देता है। बाद में आनंद का आपके अधीनस्थी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो 100 करोड़ की फिरौती मांगते हैं। बैंक वरुण और अन्य लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं, लेकिन गुंडों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। ब्रॉन्क्स में वे उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन जब योजना विफल हो जाती है तो बैंको धर्म और तरुण के वकील साहब के रूप में तैयार करते हैं। गुंडों की एक साथ पिटाई करते हैं। जब वे जाने की कोशिश करने होते पुलिस आती है और सभी को गिरफ्तार करती है। इस बीच कार चुराने वाले चोर ने दिलीप को बताया कि उसने सभी हीरो की नियमित रत्न समझकर रास्तों को हथकरघा दिया और बाद में अपने खरीदगी के समर्थन से विधायक के रूप में निर्वाचित हो जाता है। दिलीप जो अपने बाहर होने जाता है तो नौकरी उसके साथ एक सहायक के रूप में जुड़ती है। टाला वेंकटेश बैंकी के रूप में, वरुण तेज वरुण यादव के रूप में, तमन्ना हरिका के रूप में, महरीन देरवाजा हनी के रूप में, राजेंद्र प्रसाद के रूप में, CI नागार्जुन, मुरली शर्मा, आनंद प्रसाद के रूप में, मुस्लिम कुट्टी सेनू के रूप में, अमरीका लड़की के रूप में, सोनल चौहान जूनियर कलाकार के रूप में, बेनेला किशोर, गुड्डी वाला मुरुगदासन के बेटे अली वाला बेबी के रूप में, संपत राज कमिश्नर दिलीप चंद्र के रूप में, बैंकी के साथी के रूप में, रघु बाबू तुलसी बैंकी की सतोली माँ के रूप में, बेकी के पिता के रूप में, गोपना राजू बैंकी के सतोले भाई के रूप में, संयुक्त वर्मा सत्य चोर के रूप में, प्रगति बरपद्दा हरिका और हनी की माँ के रूप में, हरिका और हरि के पिता के रूप में, प्रदीप कंडीवार्थी हरिका और हनी की नानी के रूप में, भाई विजय अनुपूर्ण हरिका और हरी की नानी के रूप में, श्रीकांत जयकांत शर्मा के रूप में, आनंद प्रसाद के सहायक पृथ्वीराज बेवले इंजार के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में, तन्नती केला भरदी भूमि मालिक के रूप में, पंडु प्रदर्शन भूमि मालिक की पत्नी के रूप में, राजीना हनी के ड्राइवर के रूप के, वासु इंद्रनी गुड्डी के रूप में,
दिवस निशिवाता विशाल मित्तल के बेटी के रूप में बुल चितिबुली के बिगर के रूप में मिट ऑफ सिनु दिव्योशी मोहन बुल चिटीबाबू के प्रोजेक्शन के रूप में पूजा हेगड़े खुद के रूप में लाइक अंत रिट्टा बंदाला गीत के कैमियो उपस्थिति अनिल रवि मुंडी सय के रूप में अवस्थाई अस्थाई उत्पादन विकास फाइव टू फलता के बाद एफ फन एंड फाउंडेशन 2019 स्टूडियो के मालिक दिल राजू ने फरवरी 2019 में इसके सीक्वल की घोषणा की। ये कहा कि सीक्वल के लिए तीसरे मुख्य अभिनेता की कास्ट किया जाएगा। हालांकि अप्रैल 2020 में निर्देशक रवि मुंडी ने स्पष्ट किया कि तीसरे नायक के लिए बहुत कम जगह थी। मार्च 2021 के एक साक्षात्कार में रवि मुंडी ने कहा F3 F2 का प्रत्येक सीक्वल नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई कहानी जहाँ लीड प्रेस का कारण निराश होने के हुए दिखाया जाता है। अमिताभ वर्मा और कर्मचारी अगली कड़ी में विक्रम तेज प्रसाद तमन्ना और फिर ज्यादा अपनी भूमिकाओं के दोहरा रहते हैं। फिटू के लिए संगीत तैयार करने वाली देवीसी प्रसाद को संगीतकार के रूप में बरकरार रखा गया है। सुनील और मुरली शर्मा ने फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हकंद कर किया। अप्रैल 2021 में ये बताया गया है कि अंगली को फिल्म में लिया गया था, हालांकि कभी तक कई आधिकारिक संचार नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद भी एक अलग भूमिका के साथ वापसी के लिए तैयार थे। वेंकटेश एक अनोदी की भूमिका निभाते हैं जबकि तेज का चरित्र हलगणित प्रीत होगा। सुनील चौहान ने अपनी भूमिका के आश्चर्य बनाने के हुए अक्टूबर 2021 में फिल्म के अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। अप्रैल 2021 में पूजा हेगड़े का एक विशेष गीत के लिए साइन किया गया था। उन्होंने F2 का औपचारिक रूप से 6 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 26 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई। वरुण तेज जनवरी 2021 में निर्माण से शामिल हो गए हैं। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल से जून तक फिल्मांकन रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में 10 दिन के लंबे शेड्यूल के साथ फिल्मांकन फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि फिल्मांकन दिसंबर 2021 में फिर से शुरू हुआ। दिसंबर 2021 में चार मीनार में फिल्मांकन हुआ और लगभग 65% शूटिंग पूरी हो चुकी है। टॉकी के हिस्से जनवरी 2022 में लपेटे गए थे और केवल एक गाने की शूटिंग बाकी थी। हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष गीत अप्रैल 2022 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर निभाया गया था। F2 27 मई 2022 को रिलीज किया गया था। हिस्से में पहले 27 अगस्त 2021 में रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इसे बाद में 25 फरवरी 2022 को नाटक रूप से रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन शिमला नायक के साथ टकराव के बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था, जो इस तारीख को रिलीज हुई थी। उसकी रिलीज की तारीख 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे फिर से लंबित किया गया था। आचार्य के साथ टकराव से बचने के लिए इसे वर्तमान तिथि में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्म का रिलीज पूर्व थिएटर व्यवसाय 72 करोड़ था और एक लाभदायक आक्रमक बनने के लिए 30 करोड़ से अधिक की वैश्विक सकल आवश्यकता है। होम मीडिया फिल्म के उपग्रह अधिकांश के लिए तेलुगु में बेचे गए, जबकि डिजिटल वितरक अधिकार सोनी लिव और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रह किया गया है। F3 के 22 जुलाई 2022 को सोनी लीफ और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। स्वागत समारोह अमित राजवाब F3 को आमतौर पर आलोचकों से कलाकारों और निर्देशकों के लिए प्रशंसा के साथ अनुकूल प्रतीक्षा मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के लिए लिखने हुए मुरली कृष्णा ने F3 को हंसी दंग कहा। इसे अपने पूर्ववर्ती से बेहतर मानते हुए कृष्णा ने अनिल रविपुरी से मेहनत और प्रदर्शन विशेष रूप से वेंकटेश और तेज की प्रशंसा की। उसी की प्रतिबंधी करते हुए द हिंदू ने संगीता देवी डंडू ने कहा, कॉमेडी जाजी हालांकि आसमान पर्याप्त हंसी लाती है। ये वेंकटेश कम चमकते हैं। द न्यूज मिनट के बालकृष्ण गणेशन ने फिल्म को 5 में से 5 रेटिंग दी और लिखा, F3 ने ज्यादा फ्लॉट नहीं है लेकिन कॉमेडी एटेंड्स के एक श्रृंखला दर्शकों को बांधे हुए रखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के निश्चित नयनता पति ने फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और F3 की तुलना गोलमाल जैसे कि इसे लाउंड से भी कभी कभी फनी करार दिया। पिंक विला के अरविंद ने भी फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और लिखा, वेंकटेश का प्रदर्शन चुनाव वर्ती कुछ अन्य लोगों के दृढ़ विश्वास दिखाया, लेकिन किसी तरह उसमें अधिकार को एक तारीख उपस्थिति बनाने के लिए नहीं मिला। 3.4 बिलियन की कमाई की महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। बैंकी जो हैदराबाद में एक RTO के एक बैंकर के रूप में काम करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। अनुदा के पीड़ित है लेकिन अपनी विकलांगता को सभी के बताता है। उसके दोस्त वरुण यादव एक अनाथ
लाने वाला पैसा बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को योजना बनाते हैं, लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। विकी अपने दोस्त के साथ फरीदा के पारिवारिक रेस्तरां में विदेश करने के बाद अपना बहुत सारा पैसा खो देता है। पैसे की तलाश में वरुण गलती से सनी अलीगा के बहन के एक अमीर महिला को समझ लेता है और उससे शादी करने की योजना बनाते हैं। बैंकी वरुण की योजना बनाने के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाते हैं। हनी को उसकी विकलांगता के कारण पहुंचाने के विफल रहते हैं। विकी और वरुण एक स्थानीय जमींदार पाला बीबी से अपनी संगति उपहार नगद देकर लाखों रुपए खर्च करने के वो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जबकि हरि का परिवार अपना सारा पैसा शहरों में खो देता है। पाला बेबी जो महिलाओं को पूजा करता है हरिका के परिवार के काटो पूर्ण हरिका के समझौते के बाद कर्ज माफ करने की योजना बनाने के छोड़ देता है। वे सभी अपने मामले को निपटने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, जहाँ CI नागार्जुन एक ईमानदार पुलिसकर्मी जो अपनी नौकरी खो देता है कगार पर है। अवैध रूप से अर्जित नौकरी और हीरो का चुराने के लिए आयुक्त दिलीप चंद के पर छापा मारने की योजना बनाते हैं। सफलतापूर्वक अपनी योजना का क्रियान्वित करने के और गेमिंग के सामान का एक स्क्रिप्ट करने के बूट में छिपा गया है। पैसा करते हुए वे एक अपहृत लड़की को भी चुराते हैं। अगली सुबह वे डर के मारे दिलीप के सामने अपनी डकैती कबूल करते हैं, हालांकि उधार गायब हो जाते हैं और चोरी की रकम वापस ना करने का दिलीप को अपनी जान का खतरा है। जब बैंक वरुण हरिका नागराज अहमद मरने के वाले होते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि अरमबीत आनंद शर्मा अपने उड़ाऊ बेटे की तलाश कर रहे हैं। वे उसके स्थान पर जाने का फैसला करते हैं और उसकी बदमती को चुराने के लिए खुद को उसके बेटा को दबा करते हैं। हालांकि आत्महत्या करने के उसकी योजना के बारे में लगभग मर जाते हैं। शुक्र के दुर्भाग्य अवसर पर बचा जाते हैं। वे सभी विजय गर्म में उसके स्थान पर पहुंचते हुए कि वरुण खरीका एक पुरुष भेष और नागार्जुन द्वारा किराए पर ये एक जूनियर कलाकार खुद को आनंद के बेटे के रूप में प्रस्तुत करता है। सही व्यक्ति कौन है इस बारे में अनिश्चित करण भी उनके महल में रहता है। वे एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाने की आनंद को प्रभावित करने में पूरी तरह फल रहते हैं। सभी दावेदार आनंद द्वारा की गई कठिन से कठिन परीक्षा में पहले अंतिम प्रवास के रूप में आनंद से घोषणा की कि जो कोई भी अपने F3 खिलौने कारखाने की मुनाफे के लगाएंगे उसे उसका उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। अपने मतभेदों के एक तरफ रखते हुए सभी दावेदार एक साथ मिलकर लाभ प्राप्त करने के लिए एक नए प्रकार का लेखन बनाते हैं। तेलुगु फिल्म में ये पात्र अमरेश बाहुबली, भब्बर सिंह, अजय कृष्णा, वीरा राघवन, चिप्पी बाबू और बाबू विकी वीरेंद्र कांस्टेबल खिलौने के एक सेट विकसित करते हैं। विकी अहमद छुपी है और फैक्ट्री वंशत मुनाफा कमाती है। वे एक साथ वरुण का चुनाव करने और आनंद को अपने असली उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि आनंद के खुलासा किया कि उन्होंने बिट्टी के कई साल पहले धोखे से पैसा कमाने के बाद आत्महत्या कर ली है, इसी चूंकि उन्होंने अपनी पिन पोती को बचा लिया था। आनंद ने उनकी खुद को साबित करने के अनुमान दिए द्वारा कमाए गए लाभ की पेशकश की बेची और वरुण को अपनी गलती का एहसास होती है और वे पैसे छोड़ देता है। बाद में आनंद का आपके अधीनस्थी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो 100 करोड़ की फिरौती मांगते हैं। बैंकों वरुण और अन्य लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं, लेकिन गुंडों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। ब्रॉन्क्स में वे उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन जब योजना विफल हो जाती है तो बैंकों तरुण और तरुण के वकील साहब के रूप में तैयार करते हैं, गुंडों की एक साथ पिटाई करते हैं। जब वे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं पुलिस आती है और सभी को गिरफ्तार करती है। इस बीच कार चुराने वाले चोर ने दिलीप को बताया कि उसने सभी हीरो की नियमित रत्न समझकर रास्तों को हद करने दिया और बाद में अपने खरीदगी के समर्थन से विधायक के रूप में निर्वाचित हो जाता है। दिलीप जो अपने बाहर होने जाता है तो नौकरी उसके साथ एक सहायक के रूप में जुड़ती है। टनला वेंकटेश वेंकी के रूप में, वरुण तेज वरुण यादव के रूप में, तमन्ना हरिका के रूप में, महरीन देरवाजा हनी के रूप में, राजेंद्र प्रसाद के रूप में, CI नागार्जुन, मुरली शर्मा, आनंद प्रसाद के रूप में, मुरली कुट्टी सेनू के रूप में, अमरीका और लड़की के रूप में, सोनल चौहान जूनियर कलाकार के रूप में, बेनेला किशोर, गुड्डी वाला मुरुगदासन के बेटे अली वाला बेबी के रूप में, संपत राज कमिश्नर दिलीप चंद्र के रूप में, बैंकी के साथी के रूप में, रघु बाबू तुलसी बैंकी के सतोली माँ के रूप में, बेकी के पिता के रूप में, गोपनाथ राजू बैंकी के सतोले भाई के रूप में, संयुक्त वर्मा सत्य चोर के रूप में, प्रगति बद्दा हरिका और हनी की माँ के रूप में, हरिका और हरी के पिता के रूप में, प्रदीप कंडीवार्थी हरिका और हनी की नानी के रूप में, भाई विजय अन्नपूर्ण हरिका और हरी की नानी के रूप में, श्रीकांत जय
श्रीकांत शर्मा के रूप में, आनंद प्रसाद के सहायक पृथ्वीराज बेवले इंजार के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में तन्नति केला, भर्दी भूमि मालिक के रूप में पंडु प्रदर्शन, भूमि मालिक की पत्नी के रूप में राजीना हनी के, ड्राइवर के रूप के वासु इंद्रनी, गुड्डी के रूप में दीपा शिवाता, विशाल मित्तल के बेटी के रूप में बुल चिटिबुली, के बिगर के रूप में मीट ऑफ सीनू, दीपोशी मोहन बुल चिटिबाबू के प्रोजेक्शन के रूप में पूजा हेगड़े, खुद के रूप में लाइक अंत रिट्टा दला, गीत के कैमियो उपस्थिति अनिल अभिमुंडी, स्वयं के रूप में अवस्थाई अस्थाई उत्पादन विकास फाइव टू फलता के बाद एफ फन एंड फन स्टेशन 2019 स्टूडियो के मालिक दिल राजू ने फरवरी 2019 में इसके सीक्वल की घोषणा की। ये कहा कि सीक्वल के लिए तीसरे मुख्य अभिनेता की कास्ट किया जाएगा। हालांकि अप्रैल 2020 में निर्देशक रवि मूडी ने स्पष्ट किया कि तीसरे नायक के लिए बहुत कम जगह थी। मार्च 2021 के एक साक्षात्कार में रवि मूडी ने कहा F3 F2 का प्रत्यक्ष सीक्वल नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई कहानी जहाँ लेट प्रेस का कारण निराश होने के हुए दिखाया जाता है। अमिताभ वर्मा और कर्मचारी अगली कड़ी में विक्रम के तेज साथ तमन्ना और फिर ज्यादा अपनी भूमिकाओं के दोहरा रहते हैं। फिटू के लिए संगीत तैयार करने वाली देवीसी प्रसाद को संगीतकार के रूप में बरकरार रखा गया है। सुनील और मुरली शर्मा ने फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किया। अप्रैल 2021 में ये बताया गया है कि अंगली को फिल्म में लिया गया था, हालांकि कभी तक कहीं आधिकारिक संचार नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद भी एक अलग भूमिका के साथ वापसी के लिए तैयार थे। वेंकटेश एक अनोदी की भूमिका निभाते हैं, जबकि तेज का चरित्र हल्कित प्रीत होगा। सुनील चौहान ने अपनी भूमिका के आश्चर्य बनाने के हुए अक्टूबर 2021 में फिल्म के अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। अप्रैल 2021 में पूजा हेगड़े का एक विशेष गीत के लिए साइन किया गया था। उन्होंने F2 का औपचारिक रूप से 6 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 26 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई। वरुण तेज जनवरी 2021 में निर्माण से शामिल हो गए हैं। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल से जून तक फिल्मांकन रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में 10 दिन के लंबे शेड्यूल के साथ फिल्मांकन फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि फिल्मांकन दिसंबर 2021 में फिर से शुरू हुआ। दिसंबर 2021 में 4 मीनार में फिल्मांकन हुआ और लगभग 65% शूटिंग पूरी हो चुकी है। टॉकी के हिस्से जनवरी 2022 में लपेटे गए थे और केवल एक गाने की शूटिंग बाकी थी। हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष गीत अप्रैल 2022 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर निभाया गया था। F2 27 मई 2022 को रिलीज किया गया था। हिस्से में पहले इसे 27 अगस्त 2021 में रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इसे बाद में 25 फरवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन शिमला नायक के साथ टकराव के बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था, जो इस तारीख को रिलीज हुई थी। इसकी रिलीज की तारीख 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे फिर से लंबित किया गया था। आचार्य के साथ टकराव से बचने के लिए इसे वर्तमान तिथि में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्म का रिलीज पूर्व थिएटर वेबसाइट 72 करोड़ था और एक लाभदायक आक्रमक बनने के लिए 30 करोड़ से अधिक की वैश्विक सकल आवश्यकता है। होम मीडिया फिल्म के उपग्रह अधिकांश के लिए तेलुगु में बेचे गए, जबकि डिजिटल वितरक अधिकार सोनी लिव और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रह किया गया है। F3 के 22 जुलाई 2022 को सोनी लिव और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। स्वागत समारोह अमित राजवाब F3 को आमतौर पर आलोचकों से कलाकारों और निर्देशकों के लिए प्रशंसा के साथ अनुकूल प्रतीक्षा मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के लिए लिखने हुए मुरली कृष्णा ने F3 को हंसी दंग कहा। इसे अपने पूर्ववर्ती से बेहतर मानते हुए कृष्णा ने अनिल अभिपुरी से मेहनत और प्रदर्शन विशेष रूप से वेंकटेश और तेज की प्रशंसा की। उसी की प्रतिबंधी करते हुए द हिंदू ने संगीता देवी दंडू ने कहा, कॉमेडी फ्रेंचाइजी हालांकि आसमान पर्याप्त फंसी लगी है, पर्याप्त हंसी लाती है, ये वेंकटेश कम चमकते हैं। द न्यूज मिनट के बालकृष्ण गणेशन ने फिल्म को 5 में से 5 रेटिंग दी और लिखा, F3 ने ज्यादा फ्लॉट नहीं है, लेकिन कॉमेडी एटेंड्स के एक श्रृंखला दर्शकों को बांधे हुए रखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के निश्चित नयनता पति ने फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और F3 की तुलना गोलमाल जैसे कि इसे लाउंड से भी कभी कभी फनी करार दिया। पिंक विला के अरविंद ने भी फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और लिखा, वेंकटेश का प्रदर्शन
चुनावी कुछ अन्य लोगों के दृढ़ विश्वास दिखाया, लेकिन किसी तरह उसमें अधिकार को एक तारीख उपस्थिति बनाने के लिए नहीं मिला। 3.4 बिलियन की कमाई की महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। बैंकी जो हैदराबाद में एक RTO के एक बैंक के रूप में काम करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। अनुदा के पीड़ित है लेकिन अपनी विकलांगता को सभी के बताता है। उसके दोस्त वरुण यादव एक अनाथ लाने वाला पैसा बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को योजना बनाते हैं, लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। विकी अपने दोस्त के साथ फरीदा के पारिवारिक रेस्तरा में विदेश करने के बाद अपना बहुत सारा पैसा खो देता है। पैसे की तलाश में वरुण गलती से सनी खड़िका के बहन के एक अमीर महिला समझ लेता है और उससे शादी करने की योजना बनाते हैं। बैंकी वरुण की योजना बनाने के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाते हैं। हनी को उसकी विकलांगता के कारण पहुंचाने के विफल रहते हैं। विकी और वरुण एक स्थानीय जमींदार पाला बीवी से अपनी संपत्ति उपहार नगद देकर लाखों रुपए खर्च करने के वो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जबकि हरी का परिवार अपना सारा पैसा शहरों में खो देता है। पाला बेबी जो महिलाओं को पूजा करता है, हरिका के परिवार के काटो पूर्ण परिका के समझौते के बाद कर्ज माफ करने की योजना बनाने के छोड़ देता है। वे सभी अपने मामले को निपटने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां CI नागार्जुन एक ईमानदार पुलिसकर्मी जो अपनी नौकरी खो देता है कगार पर है। अवैध रूप से अर्जित नौकरी और हीरो का चुराने के लिए आयुक्त दिलीप चंद्र के पर छापा मारने की योजना बनाते हैं। सफलतापूर्वक अपनी योजना को क्रियान्वित करने के और केमिक के सामान का एक स्क्रिप्ट करने के बूट में छिपा गया है। पैसा करते हुए वे एक अपहृत लड़की को भी चुराते हैं। अगली सुबह वे डर के मारे दिलीप के सामने अपनी डकैती कबूल करते हैं, हालांकि उगार गायब हो जाते हैं और चोरी की रकम वापस ना करने का दिलीप को अपनी जान का खतरा है। जब बैंक वरुण हरिका नागराज अहमद मरने के वाले होते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि अरमबीत आनंद शर्मा अपने उड़ाऊ बेटे की तलाश कर रहे हैं। वे उसके स्थान पर जाने का फैसला करते हैं और उसकी बदमती को चुराने के लिए खुद को उसके बेटा को दबा करते हैं। हालांकि आत्महत्या करने के उसकी योजना के बारे में लगभग मर जाते हैं। शुक्र के दुर्भाग्य अवसर पर बचा जाते हैं। वे सभी विजय गर्म में उस स्थान पर पहुंचते हुए कि वरुण खरीका एक पुरुष भेष है और नागार्जुन द्वारा किराए पर यह एक जूनियर कलाकार खुद को आनंद के बेटे के रूप में प्रस्तुत करता है। सही व्यक्ति कौन है इस बारे में अनिश्चित करंद सभी को उनके महल में रहता है। एक वे एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाने की आनंद को प्रभावित करने में पूरी तरह फल रहते हैं। सभी बाबेदार आनंद द्वारा की गई कठिन से कठिन परीक्षा में पहले अंतिम प्रवास के रूप में आनंद से घोषणा की कि जो कभी भी अपने F3 खिलौने कारखाने की मुनाफे के लगाएंगे उसे उसका उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। अपने मतभेदों के एक तरफ रखते हुए सभी दावेदार एक साथ मिलकर लाभ प्राप्त करने के लिए एक नए प्रकार का लेखन बनाते हैं। तेलुगु फिल्म में ये पात्रों अमरेश बाहुबली, भब्बर सिंह, अजय कृष्णा, बीरा राघवन, चिप्पी बाबू और बाबू विकी वीरेंद्र कांस्टेबल खिलौने के एक सेट विकसित करते हैं। विकी अहमद छुपी है और फैक्ट्री मुनाफा कमाती है। वे एक साथ वरुण का चुनाव करने और आनंद को अपने असली उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि आनंद के खुलासा किया कि उन्होंने बिट्टी के कई साल पहले धोखे से पैसा कमाने के बाद आत्महत्या कर ली है, इसी चूंकि उन्होंने अपनी पिन पोती को बचा लिया था। अनंत ने उनकी खुद को साबित करने के अनुमान दिए और उन्हें द्वारा कमाए गए लाभ की पेशकश की। बेची और वरुण को अपनी गलती का एहसास होती है, पैसे छोड़ देता है। बाद में आनंद का आपके अधीनस्थी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो 100 करोड़ की फिरौती मांगते हैं। बैंक वरुण और अन्य लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं, लेकिन गुंडों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। ब्रॉन्क्स में वे उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन जब योजना विफल हो जाती है तो बैंकों तरम और तरुण के वकील साहब के रूप में तैयार करते हैं, गुंडों की एक साथ पिटाई करते हैं। जब वे जाने की कोशिश करने होते हैं, पुलिस आती है और सभी को गिरफ्तार करती है। इस बीच कार चुराने वाले चोर ने दिलीप को बताया कि उसने सभी हीरो की नियमित रत्न समझकर रास्तों को हथकरघा दिया और बाद में अपने खरीदगी के समर्थन से विधायक के रूप में निर्वाचित हो जाता है। दिलीप जो अपने बाहर होने जाता है तो नौकरी उसके साथ एक सहायक के रूप में जुड़ती है। ढाला वेंकटेश वेंकी के रूप में, वरुण तेज वरुण यादव के रूप में, तमन्ना हरिका के रूप में, महरीन देरवाजा हनी के रूप में, राजेंद्र प्रसाद के रूप में, CI नागार्जुन, मुरली शर्मा आनंद प्रसाद के रूप में, मुरली
कुट्टी सेनू के रूप में अमरीका और लड़की के रूप में सोनल चौहान, जूनियर कलाकार के रूप में बेनेला किशोर, गुड्डी वाडा मुरुगदासन के बेटे अली वाला बेबी के रूप में संपत राज, कमिश्नर दिलीप चंद्र के रूप में बैंकी के साथी के रूप में रघु बाबू, तुलसी बैंकी की सतोली माँ के रूप में बेकी के पिता के रूप में गोपनाथ राजू, बैंकी के सतोले भाई के रूप में संयुक्त वर्मा, सत्य चोर के रूप में प्रगति बरपद्दा, हरिका और हनी की माँ के रूप में हरिका और हरी के पिता के रूप में प्रदीप कंडीवार्थी, हरिका और हनी की नानी के रूप में भाई विजय अन्नपूर्ण, हरिका और हरी की नानी के रूप में श्रीकांत, जयकांत शर्मा के रूप में आनंद प्रसाद के सहायक पृथ्वीराज, बेबले इंजार के रूप में पुलिस अधिकारी के रूप में तन्नति केला, भरदी भूमि मालिक के रूप में पंडु प्रदर्शन, भूमि मालिक की पत्नी के रूप में राजीना हनी के, ड्राइवर के रूप के वासु इंद्रनी, गुड्डी के रूप में दिवसीय दीपा निशिवाता, विशाल मित्तल के बेटी के रूप में बुल चिट्ठी बोली, के बिगर के रूप में मीट ऑफ सीनू, दीपोशी मोहन बुल चिट्ठी बाबू के प्रोजेक्टन के रूप में पूजा हेगड़े, खुद के रूप में लाइक अंत रिट्टा अंदाला, गीत के कैमियो उपस्थिति अनिल रवि मुंडी, स्वयं के रूप में अवस्थाई अस्थाई उत्पादन विकास फाइव टू फलता के बाद एफ फन एंड फाउंडेशन 2019 स्टूडियो के मालिक दिल राजू ने फरवरी 2019 में इसके सीक्वल की घोषणा की। ये कहा कि सीक्वल के लिए तीसरे मुख्य अभिनेता की कास्ट किया जाएगा। हालांकि अप्रैल 2020 में निर्देशक रवि मूडी ने स्पष्ट किया कि तीसरे नायक के लिए बहुत कम जगह थी। मार्च 2021 के एक साक्षात्कार में रवि मूडी ने कहा F3 F2 का प्रत्यक्ष सीक्वल नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई कहानी जहाँ लेट प्रेस का कारण निराश होने के हुए दिखाया जाता है। अमिताभ वर्मा और कर्मचारी अगली कड़ी में विक्रम तेज प्रसाद, तमन्ना और फिरजादा अपनी भूमिकाओं के दोहरा रहते हैं। फटू के लिए संगीत तैयार करने वाली देवीसी प्रसाद को संगीतकार के रूप में बरकरार रखा गया है। सुनील और मुरली शर्मा ने फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हस्तांत कर किया। अप्रैल 2021 में ये बताया गया है कि अंगली को फिल्म में लिया गया था, हालांकि कभी तक कई आधिकारिक संचार नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद भी एक अलग भूमिका के साथ वापसी के लिए तैयार थे। वेंकटेश एक अनोदी की भूमिका निभाते हैं, जबकि तेज का चरित्र हल्कित पीड़ित होगा। सुनील चौहान ने अपनी भूमिका के आश्चर्य बनाने के लिए अक्टूबर 2021 में फिल्म के अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। अप्रैल 2021 में पूजा हेगड़े का एक विशेष गीत के लिए साइन किया गया था। उन्होंने F2 का औपचारिक रूप से 6 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 26 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई। वरुण तेज जनवरी 2021 में निर्माण से शामिल हो गए हैं। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल से जून तक फिल्मांकन रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में 10 दिन के लंबे शेड्यूल के साथ फिल्मांकन फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि फिल्मांकन दिसंबर 2021 में फिर से शुरू हुआ। दिसंबर 2021 में 4 मीनार में फिल्मांकन हुआ और लगभग 65% शूटिंग पूरी हो चुकी है। टॉकी के हिस्से जनवरी 2022 में लपेटे गए थे और केवल एक गाने की शूटिंग बाकी थी। हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष गीत अप्रैल 2022 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर निभाया गया था। F2 27 मई 2022 को रिलीज किया गया था। हिस्से में पहले 27 अगस्त 2021 में रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इसे बाद में 25 फरवरी 2022 को नाटक रूप से रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन शिमला नायक के साथ टकराव के बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था, जो इस तारीख को रिलीज हुई थी। इसकी रिलीज की तारीख 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे फिर से लंबित किया गया था। आचार्य के साथ टकराव से बचने के लिए इसे वर्तमान तिथि में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्म का रिलीज पूर्व थिएटर वेबसाइट 72 करोड़ था और एक लाभदायक आक्रमक बनने के लिए 30 करोड़ से अधिक की बिस्टिक सकल आवश्यकता है। होम मीडिया फिल्म के उपलब्ध अधिकांश के लिए तेलुगु में बेचे गए, जबकि डिजिटल वितरक अधिकार सोनी लिव और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रह किया गया है। F3 के 22 जुलाई 2022 को सोनी लीफ और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। स्वागत समारोह अमित राजवाब F3 को आमतौर पर आलोचकों से कलाकारों और निर्देशकों के लिए प्रशंसा के साथ अनुकूल प्रतीक्षा मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के लिए लिखने हुए मुरली कृष्णा ने F3 को हंसी दंग कहा। इसे अपने पूर्ववर्ती से बेहतर मानते हुए कृष्णा ने अनिल अभी पूरी से मेहर निशक और प्रदर्शन विशेष रूप से वेंकटेश और तेज की प्रशंसा की। उसी की प्रतिबंधी करते हुए द हिंदू ने संगीता देवी दंडू ने कहा, कॉमेडी फ्रेंचाइजी हालांकि आसमान पर्याप्त हंसी लाती है, ये
वेंकटेश कम चमकते हैं। द न्यूज मिनट के बालकृष्ण गणेशन ने फिल्म को 5 में से 5 रेटिंग दी और लिखा, F3 ने ज्यादा फ्लॉट नहीं है लेकिन कॉमेडी एटेंट्स के एक श्रृंखला दर्शकों को बांधे हुए रखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के इंस्टीट नयनता पति ने फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और F3 की तुलना गोलमाल फिल्म जैसे कि इसे लाउंड से भी कभी कभी फनी करार दिया। पिंक बिला के अरविंद ने भी फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और लिखा, वेंकटेश का प्रदर्शन चुनाव वर्ती कुछ अन्य लोगों के दृढ़ विश्वास दिखाया लेकिन किसी तरह उसमें अधिकार को एक तारीख उपस्थिति बनाने के लिए नहीं मिला। 3.4 बिलियन की कमाई की महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। पिंकी जो हैदराबाद में एक RTO के एक बैंक के रूप में काम करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। अनुराधा के पीड़ित है लेकिन अपनी विकलांगता को सभी के बताता है। उसके दोस्त वरुण यादव एक अनाथ लाने वाला पैसा बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को योजना बनाते हैं लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। विकी अपने दोस्त के साथ फरीदा के पारिवारिक रेस्तरा में विदेश करने के बाद अपना बहुत सारा पैसा खो देता है। पैसे की तलाश में वरुण गलती से सनी खड़िका के बहन के एक अमीर महिला को समझ लेता है और उससे शादी करने की योजना बनाते हैं। विकी वरुण की योजना बनाने के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाते हैं। हनी को उसकी विकलांगता के कारण पहुंचाने के विफल रहते हैं। विकी और वरुण एक स्थानीय जमींदार बेबी से अपनी संगति उपहार नगद देकर लाखों रुपए खर्च करने के वो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है जबकि हरी का परिवार अपना सारा पैसा शहरों में खो देता है। पाला बेबी जो महिलाओं को पूजा करता है हरिका के परिवार के काटो पूर्ण हरिका के समझौते के बाद कर्ज माफ करने की योजना बनाने के छोड़ देता है। वे सभी अपने मामले को निपटने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां CI नागार्जुन एक ईमानदार पुलिसकर्मी जो अपनी नौकरी खो देता है कगार पर है। अवैध रूप से अर्जित नौकरी और हीरो का चुराने के लिए आयुक्त दिलीप चंद के पर छापा मारने की योजना बनाते हैं। सफलतापूर्वक अपनी योजना का क्रियान्वित करने के और गेमिंग के सामान का एक स्क्रिप्ट करने के बूट में छिपा गया है। पैसा करते हुए वे एक अपहृत लड़की को भी चुराते हैं। अगली सुबह वे डर के मारे दिलीप के सामने अपनी डिकोती कबूल करते हैं। हालांकि उगार गायब हो जाते हैं और चोरी की रकम वापस ना करने का दिलीप को अपनी जान का खतरा है। जब बैंक वरुण हरिका नागराज अहमद बनने के वाले होते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि आरंभीत आनंद शर्मा अपने उड़ाऊ बेटे की तलाश कर रहे हैं। वे उसके स्थान पर जाने का फैसला करते हैं और उसकी बदमती को चुराने के लिए खुद को उसके बेटा को दबा करते हैं। हालांकि आत्महत्या करने के उसकी योजना के बारे में लगभग मर जाते हैं। शुक्र के दुर्भाग्य अवसर पर बचा जाते हैं। वे सभी विजय गर्म में उसके स्थान पर पहुंचते हुए कि वरुण हरिका एक पुरुष भेष है और नागार्जुन द्वारा किराए पर यह एक जूनियर कलाकार खुद को आनंद के बेटे के रूप में प्रस्तुत करता है। सही व्यक्ति कौन है इस बारे में अनिश्चित करण भी वह उनके महल में रहता है। एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाने की आनंद को प्रभावित करने में पूरी तरह फल रहते हैं। सभी दावेदार आनंद द्वारा की गई कठिन से कठिन परीक्षा में पहले अंतिम प्रवास के रूप में आनंद से घोषणा की कि जो कोई भी अपने F3 खिलौने कारखाने की मुनाफे के लगाएंगे उसे उसका उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। अपने मतभेदों के एक तरफ रखते हुए सभी दावेदार एक साथ मिलकर लाभ प्राप्त करने के लिए एक नए प्रकार का लेखन बनाते हैं। तेलुगु फिल्म में ये पात्र अमरेश बाहुबली भब्बर सिंह अजय कृष्णा वीरा राघवन चिब्बी बाबू और बाबू विकी वीरेंद्र कांस्टेबल खिलौने के एक सेट विकसित करते हैं। विकी अहमद छुपी है और फैक्ट्री वंशत मुनाफा कमाती है। वे एक साथ वरुण का चुनाव करने और आनंद को अपने असली उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि आनंद के खुलासा किया कि उन्होंने बिट्टी के कई साल पहले धोखे से पैसा कमाने के बाद आत्महत्या कर ली है इसी चूंकि उन्होंने अपनी पिन पोती को बचा लिया था। आनंद ने उनकी खुद को साबित करने के अनुमान दिए उन्होंने द्वारा कमाए गए लाभ की पेशकश की बेची और वरुण को अपनी गलती का एहसास होती है और वे पैसे छोड़ देता है। बाद में आनंद का आपके अधीनस्थी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है जो 100 करोड़ की फिरौती मांगते हैं। बैंकों वरुण और अन्य लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं लेकिन गुंडों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। ब्रॉन्क्स में वे उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है लेकिन जब योजना विफल हो जाती है तो बैंकों तरुण और तरुण के वकील साहब के रूप में तैयार करते हैं गुंडों की एक साथ पिटाई करते हैं। जब वे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं पुलिस आती है और सभी को गिरफ्तार करती है। इस बीच कार चुराने वाले चोर ने दिलीप को बताया कि उसने सभी
हीरो की नियमित रत्न समझकर रास्तों को हथकरघा दिया और बाद में अपने खरीदगी के समर्थन से विधायक के रूप में निर्वाचित हो जाता है। दिलीप जो अपने बाहर होने जाता है तो नौकरी उसके साथ एक सहायक के रूप में जुड़ती है। ढाला वेंकटेश वेंकी के रूप में, वरुण तेज वरुण यादव के रूप में, तमन्ना हरिया के रूप में, महरीन देरवाजा हनी के रूप में, राजेंद्र प्रसाद के रूप में, सीआई नागार्जुन, मुरली शर्मा आनंद प्रसाद के रूप में, मुस्लिम कुट्टी सेनू के रूप में, अमरीका लड़की के रूप में, सोनल चौहान जूनियर कलाकार के रूप में, बेनेला किशोर गुड्डी वाला मुरुगदासन के बेटे अली वाला बेबी के रूप में, संपत राज कमिश्नर दिलीप चंद्र के रूप में, बैंकी के साथी के रूप में, रघु बाबू तुलसी बैंकी की सेतोली माँ के रूप में, बेकी के पिता के रूप में, भूपना राजू बैंकी के सौतेले भाई के रूप में, संयुक्त वर्मा सत्य चोर के रूप में, प्रगति बरपद्दा हरिका और हनी की माँ के रूप में, हरिका और हरी के पिता के रूप में, प्रदीप कंडीवार्थी हरिका और हनी की नानी के रूप में, भाई विजय अन्नपूर्ण हरिका और हरी की नानी के रूप में, श्रीकांत जयकांत शर्मा के रूप में, आनंद प्रसाद के सहायक पृथ्वीराज बेवले इंजार के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में, तन्नति केला भरदी भूमि मालिक के रूप में, पंडु प्रदर्शन भूमि मालिक की पत्नी के रूप में, राजीना हनी के ड्राइवर के रूप के, वासु इंद्रनी गुड्डी के रूप में, दिवसीय दीपा शिवाता त्रिशाल मित्तल के बेटी के रूप में, बुल चिटिबुली के बिगर के रूप में, मीट ऑफ सीनू दीपोशी मोहन बुल चिटिबाबू के प्रोजेक्टन के रूप में, पूजा हेगड़े खुद के रूप में, लाइक अंत रिट्टा बंदाला गीत के कैमियो उपस्थिति, अनिल रवि मुंडी स्वयं के रूप में, अवस्थाई अस्थाई उत्पादन विकास फाइव टू फलता के बाद एफ फन एंड फंडस्टेशन 2019 स्टूडियो के मालिक दिल राजू ने फरवरी 2019 में इसके सीक्वल की घोषणा की। ये कहा कि सीक्वल के लिए तीसरे मुख्य अभिनेता की कास्ट किया जाएगा। हालांकि अप्रैल 2020 में निर्देशक रवि मूडी ने स्पष्ट किया कि तीसरे नायक के लिए बहुत कम जगह थी। मार्च 2021 के एक साक्षात्कार में रवि मूडी ने कहा F3 F2 का प्रत्यक्ष सीक्वल नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई कहानी जहाँ लेट प्रेस का कारण निराश होने के हुए दिखाया जाता है। अमिताभ वर्मा और कर्मचारी अगली कड़ी में विक्रम तेज साथ तमन्ना और पीरजादा अपनी भूमिकाओं के दोहरा रहते हैं। फटू के लिए संगीत तैयार करने वाली देवीसी प्रसाद को संगीतकार के रूप में बरकरार रखा गया है। सुनील और मुरली शर्मा ने फिल्म की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हस्तांतर किया। अप्रैल 2021 में ये बताया गया है कि अंगली को फिल्म में लिया गया था, हालांकि अभी तक कई आधिकारिक संचार नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद भी एक अलग भूमिका के साथ वापसी के लिए तैयार थे। वेंकटेश एक अनोदी की भूमिका निभाते हैं जबकि तेज का चरित्र हलचलित पीड़ित होगा। सुनील चौहान ने अपनी भूमिका के आश्चर्य बनाने के लिए अक्टूबर 2021 में फिल्म के अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। अप्रैल 2021 में पूजा हेगड़े का एक विशेष गीत के लिए साइन किया गया था। उन्होंने F2 का औपचारिक रूप से 6 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 26 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई। वरुण तेज जनवरी 2021 में निर्माण से शामिल हो गए हैं। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल से जून तक फिल्मांकन रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में 10 दिन के लंबे शेड्यूल के साथ फिल्मांकन फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि फिल्मांकन दिसंबर 2021 में फिर से शुरू हुआ। दिसंबर 2021 में 4 मीनार में फिल्मांकन हुआ और लगभग 65% शूटिंग पूरी हो चुकी है। टॉकी के हिस्से जनवरी 2022 में लपेटे गए थे और केवल एक गाने की शूटिंग बाकी थी। हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष गीत अप्रैल 2022 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर निभाया गया था। F2 27 मई 2022 को रिलीज किया गया था। हिस्से में पहले इसे 27 अगस्त 2021 में रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इसे बाद में 25 फरवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन शिमला नायक के साथ टकराव के बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था, जो इस तारीख को रिलीज हुई थी। इसकी रिलीज की तारीख 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे फिर से लंबित किया गया था। आचार्य के साथ टकराव से बचने के लिए इसे वर्तमान तिथि में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्म का रिलीज पूर्व थिएटर व्यवसाय 72 करोड़ था और एक लाभदायक आक्रमक बनने के लिए 30 करोड़ से अधिक की बिस्टिक
सकल आवश्यकता है। होम मीडिया फिल्म के उपलब्ध अधिकांश के लिए तेलुगु में बेचे गए, जबकि डिजिटल वितरक अधिकार सोनी लिव और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है। F2 F3 के 22 जुलाई 2022 को सोनी लिव और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। स्वागत समारोह अहमित राजवाब F3 को आमतौर पर आलोचकों से कलाकारों और निर्देशकों के लिए प्रशंसा के साथ अनुकूल प्रतीक्षा मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के लिए लिखने हुए मुरली कृष्णा ने F3 को हंसी दंग कहा। इसे अपने पूर्ववर्ती से बेहतर मानते हुए कृष्णा ने अनिल रविपुरी से मेहनत और प्रदर्शन, विशेष रूप से वेंकटेश और तेज की प्रशंसा की। उसी की प्रतिबंधी करते हुए द हिंदू ने संगीता देवी दंडू ने कहा, कॉमेडी फ्रेंचाइजी हालांकि आसमान पर्याप्त फंसी लगी है, पर्याप्त हंसी लाती है, ये वेंकटेश कम चमकते हैं। द न्यूज मिनट के बालकृष्ण गणेशन ने फिल्म को 5 में से 5 रेटिंग दी और लिखा, F3 ने ज्यादा फ्लॉट नहीं है लेकिन कॉमेडी एटेंड्स के एक श्रृंखला दर्शकों को बांधे हुए रखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के निश्चित नयनता पति ने फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और F3 की तुलना गोलमाल जैसे कि इसे लाउंड से भी कभी कभी फनी करार दिया। पिंक विला के अरविंद ने भी फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और लिखा, वेंकटेश का प्रदर्शन चुनाव वर्ती कुछ अन्य लोगों के दृढ़ विश्वास दिखाया लेकिन किसी तरह उसमें अधिकार को एक तारीख उपस्थिति बनाने के लिए नहीं मिला। 3.4 बिलियन की कमाई की महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। पेंकी जो हैदराबाद में एक RTO के एक बैंकर के रूप में काम करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। अनुदा के पीड़ित है लेकिन अपनी विकलांगता को सभी के बताता है। उसके दोस्त वरुण यादव एक अनाथ लाने वाला पैसा बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को योजना बनाते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विकी अपने दोस्त के साथ फरीदा के पारिवारिक रेस्तरां में विदेश करने के बाद अपना बहुत सारा पैसा खो देता है। पैसे की तलाश में वरुण गलती से सनी खड़िया के बहन के एक अमीर महिला समझ लेता है और उससे शादी करने की योजना बनाते हैं। बैंकी वरुण की योजना बनाने के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाते हैं। हनी को उसकी विकलांगता के कारण पहुंचाने के विफल रहते हैं। विकी और वरुण एक स्थानीय जमींदार पाला बेबी से अपने संपत्ति उपहार नगद देकर लाखों रुपए खर्च करने के वो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है जबकि हरी का परिवार अपना सारा पैसा शहरों में खो देता है। पाला बेबी जो महिलाओं को पूजा करता है हरिका के परिवार के काटो पूर्ण हरिका के समझौते के बाद कर्ज माफ करने की योजना बनाने के छोड़ देता है। वे सभी अपने मामले को निपटने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां CI नागार्जुन एक ईमानदार पुलिसकर्मी जो अपनी नौकरी खो देता है कगार पर है। अवैध रूप से अर्जित नौकरी और हीरो का चुराने के लिए आयुक्त दिलीप चंद्र के पर छापा मारने की योजना बनाते हैं। सफलतापूर्वक अपनी योजना को क्रियान्वित करने के और गेमिंग के सामान का एक स्क्रिप्ट करने के बूट में छिपा गया है। पैसा करते हुए वे एक अपहृत लड़की को भी चुराते हैं। अगली सुबह वे डर के मारे दिलीप के सामने अपनी डकैती कबूल करते हैं। हालांकि उगार गायब हो जाते हैं और चोरी की रकम वापस ना करने का दिलीप को अपनी जान का खतरा है। जब बैंक वरुण हरिका नागराज अहमद मरने के वाले होते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि अरमबीत आनंद शर्मा अपने उड़ाऊ बेटे की तलाश कर रहे हैं। वे उसके स्थान पर जाने का फैसला करते हैं और उसकी बदमती को चुराने के लिए खुद को उसके बेटा को दबा करते हैं। हालांकि आत्महत्या करने के उसकी योजना के बारे में लगभग मर जाते हैं। शुक्र के दुर्भाग्य अवसर पर बचा जाते हैं। वे सभी विजय गर्म में उसके स्थान पर पहुंचते हुए कि वरुण खरीका एक पुरुष भेष है और नागार्जुन द्वारा किराए पर ये एक जूनियर कलाकार खुद को आनंद के बेटे के रूप में प्रस्तुत करता है। सही व्यक्ति कौन है इस बारे में अनिश्चित करण सभी को उनके महल में रहता है। एक वे एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाने की आनंद को प्रभावित करने में पूरी तरह फल रहते हैं। सभी दावेदार आनंद द्वारा की गई कठिन से कठिन परीक्षा में पहले अंतिम प्रवास के रूप में आनंद से घोषणा की कि जो कोई भी अपने F3 खिलौने कारखाने की मुनाफे के लगाएंगे उसे उसका उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। अपने मतभेदों के एक तरफ रखते हुए सभी दावेदार एक साथ मिलकर लाभ प्राप्त करने के लिए एक नए प्रकार का लेखन बनाते हैं। तेलुगु फिल्म में ये पात्रों अमरेश बाहुबली, भंवर सिंह, अजय कृष्णा, वीरा राघवन, चिब्बी बाबू और बाबू
विकी वीरेंद्र कांस्टेबल खिलौने के एक सेट विकसित करते हैं। विकी आत्मात छुपी है और फैक्ट्री वंशत मुनाफा कमाती है। वे एक साथ वरुण का चुनाव करने और आनंद को अपने असली उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि आनंद के खुलासा किया है कि उन्होंने बिट्टी के कई साल पहले धोखे से पैसा कमाने के बाद आत्महत्या कर ली गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पिन पोती को बचा लिया था। अनंत ने उनकी खुद को साबित करने के अनुमान दिए और उन्हें द्वारा कमाए गए लाभ की पेशकश की। बेची और वरुण को अपनी गलती का एहसास होती है और पैसे छोड़ देता है। बाद में अनंत का आपके अधीनस्थी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो 100 करोड़ की फिरौती मांगते हैं। बैंकों वरुण और अन्य लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं, लेकिन गुंडों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। ब्रॉन्क्स में वे उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन जब योजना विफल हो जाती है तो बैंकों तरुण और तरुण के वकील साहब के रूप में तैयार करते हैं। गुंडों की एक साथ पिटाई करते हैं। जब वे जाने की कोशिश करने होते हैं, पुलिस आती है और सभी को गिरफ्तार करती है। इस बीच कार चुराने वाले चोर ने दिलीप को बताया कि उसने सभी हीरो की नियमित रत्न समझकर रास्तों को हथकरघा दिया और बाद में अपने खरीदगी के समर्थन से विधायक के रूप में निर्वाचित हो जाता है। दिलीप जो अपने बाहर होने जाता है तो नौकरी उसके साथ एक सहायक के रूप में जुड़ती है। ढाला वेंकटेश वेंकी के रूप में, वरुण तेज वरुण यादव के रूप में, तमन्ना हरिया के रूप में, महरीन देरवाजा हनी के रूप में, राजेंद्र प्रसाद के रूप में, CI नागार्जुन, मुरली शर्मा, आनंद प्रसाद के रूप में, मुस्लिम कुट्टी सेनू के रूप में, अमेरिका लड़की के रूप में, सोनल चौहान जूनियर कलाकार के रूप में, बेनेला किशोर, गुड्डी वाला मुरुगदासन के बेटे अली वाला बेबी के रूप में, संपत राज कमिश्नर, दिलीप चंद्र के रूप में, बैंकी के साथी के रूप में, रघु बाबू, तुलसी बैंकी की सतोली माँ के रूप में, बेकी के पिता के रूप में, गोपना राजू बैंकी के सतोले भाई के रूप में, संयुक्त वर्मा सत्य चोर के रूप में, प्रगति बद्दा हरिका और हनी की माँ के रूप में, हरिका और हरी के पिता के रूप में, प्रदीप कंडीवर्थी हरिका और हनी की नानी के रूप में, भाई विजय अन्नपूर्ण हरिका और हरी की नानी के रूप में, श्रीकांत जयकांत शर्मा के रूप में, आनंद प्रसाद के सहायक पृथ्वीराज बेवले इंजार के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में, तन्नति केला भर्दी भूमि मालिक के रूप में, पंडू प्रदर्शन भूमि मालिक की पत्नी के रूप में, राजीना हनी के ड्राइवर के रूप के वासु इंद्रनी गुड्डी के रूप में, दीपा निशिवाता विशाल मित्तल के बेटी के रूप में, बुल चिट्ठी बोली के बिगर के रूप में, मीट ऑफ सीनू दीपोशी मोहन बुल चिट्ठी बाबू के प्रोजेक्टन के रूप में, पूजा हेगड़े खुद के रूप में, लाइक अंत रिट्टा दला गीत के कैमियो उपस्थिति, अनिल रवि मुंडी स्वयं के रूप में, अवस्थाई अस्थाई उत्पादन विकास 5-2 फलता के बाद एफ फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 स्टूडियो के मालिक दिल राजू ने फरवरी 2019 में इसके सीक्वल की घोषणा की। ये कहा कि सीक्वल के लिए तीसरे मुख्य अभिनेता की कास्ट किया जाएगा। हालांकि अप्रैल 2020 में निर्देशक रवि मुंडी ने स्पष्ट किया कि तीसरे नायक के लिए बहुत कम जगह थी। मार्च 2021 के एक साक्षात्कार में रवि मुंडी ने कहा, F3 F2 का प्रत्यक्ष सीक्वल नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई कहानी जहाँ लेट प्रेस का कारण निराश होने के हुए दिखाया जाता है। अमिताभ वर्मा और कर्मचारी अगली कड़ी में विक्रम तेज प्रसाद, तमन्ना और फिर ज्यादा अपनी भूमिकाओं के दोहरा रहते हैं। F2 के लिए संगीत तैयार करने वाली देवीसी प्रसाद को संगीतकार के रूप में बरकरार रखा गया है। सुनील और मुरली शर्मा ने फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हकांत कर किया। अप्रैल 2021 में यह बताया गया है कि अंगली को फिल्म में लिया गया था, हालांकि कभी तक कई आधिकारिक संचार नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद भी एक अलग भूमिका के साथ वापसी के लिए तैयार थे। वेंकटेश एक अनोदी की भूमिका निभाते हैं, जबकि तेज का चरित्र हल्के पीड़ित होगा। सुनील चौहान ने अपनी भूमिका के आश्चर्य बनाने के हुए अक्टूबर 2021 में फिल्म के अपनी उपस्थिति की सृष्टि की। अप्रैल 2021 में पूजा हेगड़े का एक विशेष गीत के लिए साइन किया गया था। उन्होंने F2 का औपचारिक रूप से 6 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 26 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई। वरुण तेज जनवरी 2021 में निर्माण से शामिल हो गए हैं। भारत में COVID-19 महामारी के कारण अप्रैल से जून तक फिल्मांकन रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में 10 दिन के लंबे शेड्यूल के साथ फिल्मांकन फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि फिल्मांकन दिसंबर 2021 में फिर से शुरू हुआ। दिसंबर 2021 में
विनार में फिल्मांकन हुआ और लगभग 65% शूटिंग पूरी हो चुकी है। टॉकी के हिस्से जनवरी 2022 में लपेटे गए थे और केवल एक गाने की शूटिंग बाकी थी। हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष गीत अप्रैल 2022 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर निभाया गया था। F2 27 मई 2022 को रिलीज किया गया था। हिस्से में पहले इसे 27 अगस्त 2021 में रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इसे बाद में 25 फरवरी 2022 को नाटक रूप से रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन शिमला नायक के साथ टकराव के बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था, जो इस तारीख को रिलीज हुई थी। इसकी रिलीज की तारीख 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे फिर से लंबित किया गया था। आचार्य के साथ टकराव से बचने के लिए इसे वर्तमान तिथि में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्म का रिलीज पूर्व थिएटर व्यवसाय 72 करोड़ था और एक लाभदायक आक्रमक बनने के लिए 30 करोड़ से अधिक की वैश्विक सकल आवश्यकता है। होम मीडिया फिल्म के उपलब्ध अधिकांश के लिए तेलुगु में बेचे गए, जबकि डिजिटल वितरक अधिकार सोनी लिव और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रह किया गया है। F3 के 22 जुलाई 2022 को सोनी लीफ और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। स्वागत समारोह अमित राजवाब F3 को आमतौर पर आलोचकों से कलाकारों और निर्देशकों के लिए प्रशंसा के साथ अनुकूल प्रतीक्षा मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के लिए लिखने हुए मुरली कृष्णा ने F3 को हंसी दंग कहा। इसे अपने पूर्ववर्ती से बेहतर मानते हुए कृष्णा ने अनिल रविपुरी से मेहनत और प्रदर्शन विशेष रूप से वेंकटेश और तेज की प्रशंसा की। उसी की प्रतिबंधी करते हुए द हिंदू ने संगीता देवी डंडू ने कहा, कॉमेडी फ्रेंचाइजी हालांकि आसमान पर्याप्त हंसी लाती है, ये वेंकटेश कम चमकते हैं। द न्यूज मिनट के बालकृष्ण गणेशन ने फिल्म को 5 में से 5 रेटिंग दी और लिखा, F3 ने ज्यादा फ्लॉट नहीं है, लेकिन कॉमेडी एटेंड्स के एक श्रृंखला दर्शकों को बांधे हुए रखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के निश्चित नयनता पति ने फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और F3 की तुलना गोलमाल जैसे कि इसे लाउंड से भी कभी कभी फनी करार दिया। पिंक विला के अरविंद ने भी फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और लिखा, वेंकटेश का प्रदर्शन चुनाव वर्ती कुछ अन्य लोगों के दृढ़ विश्वास दिखाया, लेकिन किसी तरह उसमें अधिकार को एक तारीख उपस्थिति बनाने के लिए नहीं मिला। 3.4 बिलियन की कमाई की महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। बैंकी जो हैदराबाद में एक RTO के एक बैंकर के रूप में काम करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। अनुदा के पीड़ित है, लेकिन अपनी विकलांगता को सभी के बताता है। उसके दोस्त वरुण यादव एक अनाथ लाने वाला पैसा बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को योजना बनाते हैं, लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। विकी अपने दोस्त के साथ फरीदा के पारिवारिक रेस्तरा में विदेश करने के बाद अपना बहुत सारा पैसा खो देता है। पैसे की तलाश में वरुण गलती से सनी खड़िका के बहन के एक अमीर महिला को समझ लेता है और उससे शादी करने की योजना बनाते हैं। बैंकी वरुण की योजना बनाने के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाते हैं। हनी को उसकी विकलांगता के कारण पहुंचाने के विफल रहते हैं। विकी और वरुण एक स्थानीय जमींदार पहला बीवी से अपने संगति उपहार नगद देकर लाखों रुपए खर्च करने के वो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जबकि हरि का परिवार अपना सारा पैसा शहरों में खो देता है। पाला बेबी जो महिलाओं को पूजा करता है, हरिका के परिवार के काटो पूर्णा हरिका के समझौते के बाद कर्ज माफ करने की योजना बनाने के छोड़ देता है। वे सभी अपने मामले को निपटने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां CI नागार्जुन एक ईमानदार पुलिसकर्मी जो अपनी नौकरी खो देता है कगार पर है। अवैध रूप से अर्जित नौकरी और हीरो का चुराने के लिए आयुक्त दिलीप चंद्र के पर छापा मारने की योजना बनाते हैं। सफलतापूर्वक अपनी योजना का क्रियान्वयन करने के और गेमिंग के सामान का एक स्क्रिप्ट करने के बूट में छिपा गया है। पैसा करते हुए वे एक अपहृत लड़की को भी चुराते हैं। अगली सुबह वे डर के मारे दिलीप के सामने अपनी डिकोती कबूल करते हैं, हालांकि उगार गायब हो जाते हैं और चोरी की रकम वापस न करने का दिलीप को अपनी जान का खतरा है। जब बैंकर वरुण हरिका नागराज अहमद मरने के वाले होते हैं, तो उन्हें खबर मिलती है कि अरमबीत आनंद शर्मा अपने उड़ाऊ बेटे की तलाश कर रहे हैं। वे उसके स्थान पर जाने का फैसला करते हैं और उसकी बदमती को चुराने के लिए खुद को उसके बेटा को दबा करते हैं। हालांकि आत्महत्या करने के उसकी योजना के बारे में लगभग मर जाते हैं। शुक्र के दुर्भाग्य अवसर पर बचा जाते हैं। वे सभी विजय गर्म में
उस स्थान पर पहुंचते हुए कि वरुण खरी का एक पुरुष भेष है और नागार्जुन द्वारा किया है, पर ये एक जूनियर कलाकार खुद को आनंद के बेटे के रूप में प्रस्तुत करता है। सही व्यक्ति कौन है इस बारे में अनिश्चित करंद भी को उनके महल में रहता है। एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाने की आनंद को प्रभावित करने में पूरी तरह खुल रहते हैं। सभी बाबेदार आनंद द्वारा की गई कठिन से कठिन परीक्षा में पहले अंतिम प्रवास के रूप में आनंद से घोषणा की कि जो कोई भी अपने F3 खिलौने कारखाने के मुनाफे के लगाएंगे उसे उसका उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। अपने मतभेदों के एक तरफ रखते हुए सभी दावेदार एक साथ मिलकर लाभ प्राप्त करने के लिए एक नए प्रकार का लेखन बनाते हैं। तेलुगु फिल्म में ये पात्रों अमरेश बाहुबली, भब्बर सिंह, अजय कृष्णा, वीरा राघवन, चिप्पी बाबू और बाबू ये की वीरेंद्र कांस्टेबल खिलौने के एक सेट विकसित करते हैं। विक्की अहमद छुपी है और फैक्ट्री वंशत मुनाफा कमाती है। वे एक साथ वरुण का चुनाव करने और आनंद को अपने असली उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि आनंद के खुलासा किया कि उन्होंने बिट्टी के कई साल पहले धोखे से पैसा कमाने के बाद आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उन्होंने अपनी पिन पोती को बचा लिया था। अनंत ने उनकी खुद को साबित करने के अनुमान दिए और द्वारा कमाए गए लाभ की पेशकश की बेची और वरुण को अपनी गलती का एहसास होती है और वे पैसे छोड़ देता है। बाद में अनंत का अपने अधीनस्थी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है जो 100 करोड़ की फिरौती मांगते हैं। बैंकों वरुण और अन्य लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं लेकिन गुंडों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। ब्रॉन्क्स में वे उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है लेकिन जब योजना विफल हो जाती है तो बैंकों तरुण और तरुण के वकील साहब के रूप में तैयार करते हैं गुंडों की एक साथ पिटाई करते हैं। जब वे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं पुलिस आती है और सभी को गिरफ्तार करती है। इस बीच कार चुराने वाले चोर ने दिलीप को बताया कि उसने सभी हीरो की नियमित रत्न समझकर रास्तों को हथकरघा दिया और बाद में अपने खरीदगी के समर्थन से विधायक के रूप में निर्वाचित हो जाता है। दिलीप जो अपने बाहर होने जाता है तो नौकरी उसके साथ एक सहायक के रूप में जुड़ती है। टाला वेंकटेश वेंकी के रूप में, वरुण तेज वरुण यादव के रूप में, तमन्ना हरिका के रूप में, महरीन देरवाजा हनी के रूप में, राजेंद्र प्रसाद के रूप में, CI नागार्जुन, मुरली शर्मा, आनंद प्रसाद के रूप में, मुस्लिम कुट्टी सेनू के रूप में, अमरीका लड़की के रूप में, सोनल चौहान जूनियर कलाकार के रूप में, बेनेला किशोर, गुड्डी वाला मुरुगदासन के बेटे अली वाला बेबी के रूप में, संपत राज कमिश्नर दिलीप चंद्र के रूप में, बैंकी के साथी के रूप में, रघु बाबू तुलसी बैंकी के सतोली माँ के रूप में, बेकी के पिता के रूप में, गोपनाथ राजू बैंकी के सतोले भाई के रूप में, संयुक्त वर्मा सत्य चोर के रूप में, प्रगति पद्दा हरिका और हनी की माँ के रूप में, हरिका और हरी के पिता के रूप में, प्रदीप कंडीवार्थी हरिका और हनी की नानी के रूप में, भाई विजय अनुपूर्ण हरिका और हरी की नानी के रूप में, श्रीकांत जयकांत शर्मा के रूप में, आनंद प्रसाद के सहायक पृथ्वीराज बेबले इंजार के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में, तन्नती केला भरदी भूमि मालिक के रूप में, पंडु प्रदर्शन भूमि मालिक की पत्नी के रूप में, राजीना हनी के ड्राइवर के रूप के, वासु इंद्रनी गुड्डी के रूप में, दिवसीय दीपा शिवाता विशाल मित्तल के बेटी के रूप में, बुल चिथिबुली के बिगर के रूप में, मीट ऑफ सिनू दीपोशी मोहन बुल चिटीबाबू के प्रोजेक्टन के रूप में, पूजा हेगड़े खुद के रूप में, लाइक अंत रिट्टा दला गीत के कैमियो उपस्थिति, अनिल अभिमुंडी स्वयं के रूप में, अवस्थाई अस्थाई उत्पादन विकास F2 फलता के बाद F1 एंड फ्रस्ट्रेशन 2019 स्टूडियो के मालिक दिल राजू ने फरवरी 2019 में इसके सीक्वल की घोषणा की। ये कहा कि सीक्वल के लिए तीसरे मुख्य अभिनेता की कास्ट किया जाएगा। हालांकि अप्रैल 2020 में निर्देशक रवि मूडी ने स्पष्ट किया कि तीसरे नायक के लिए बहुत कम जगह थी। मार्च 2021 के एक साक्षात्कार में रवि मूडी ने कहा F3 F2 का प्रत्यक्ष सीक्वल नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई कहानी जहाँ लेट प्रेस का कारण निराश होने के हुए दिखाया जाता है। अमिताभ वर्मा और कर्मचारी अगली कड़ी में विक्रम तेज प्रसाद, तमन्ना और पीरजादा अपनी भूमिकाओं के दोहरा रहते हैं। F2 के लिए संगीत तैयार करने वाली देवीसी प्रसाद को संगीतकार के रूप में बरकरार रखा गया है। सुनील और मुरली शर्मा ने फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हस्तांतर किया। अप्रैल 2021 में ये बताया गया है कि अंगली को फिल्म में लिया गया था, हालांकि कभी तक कई आधिकारिक संचार नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद भी एक अलग भूमिका के साथ वापसी के लिए तैयार थे। वेंकटेश एक अनोदी की भूमिका निभाते हैं जबकि तेज का चरित्र हल्के प्रीत होगा।
था। सुनील चौहान ने अपनी भूमिका के आश्चर्य बनाने की हुई अक्टूबर 2021 में फिल्म के अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। अप्रैल 2021 में पूजा हेगड़े का एक स्पेशल ईद के लिए साइन किया गया था। उन्होंने वेब 2 का औपचारिक रूप से 6 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 26 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई, वरुण तेज जनवरी 2021 में निर्माण से शामिल हो गए हैं। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल से जून तक फिल्मांकन रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में 10 दिन के लंबे शेड्यूल के साथ फिल्मांकन फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि फिल्मांकन दिसंबर 2021 में फिर से शुरू हुआ। दिसंबर 2021 में 4 मीनार में फिल्मांकन हुआ और लगभग 65% शूटिंग पूरी हो चुकी है। टॉकी के हिस्से जनवरी 2022 में लपेटे गए थे और केवल एक गाने की शूटिंग बाकी थी। हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष गीत अप्रैल 2022 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर निभाया गया था। F2 27 मई 2022 को रिलीज किया गया था। हिस्से में पहले इसे 27 अगस्त 2021 में रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इसे बाद में 25 फरवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन शिमला नायक के साथ टकराव के बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था, जो इस तारीख को रिलीज हुई थी। इसकी रिलीज की तारीख 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे फिर से लंबित किया गया था। आचार्य के साथ टकराव से बचने के लिए इसे वर्तमान तिथि में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्म का रिलीज पूर्व थिएटर वेबसाइट 72 करोड़ था और एक लाभदायक आक्रमक बनने के लिए 30 करोड़ से अधिक की वैश्विक सकल आवश्यकता है। होम मीडिया फिल्म के ऊपर अधिकांश के लिए तेलुगु में बेचे गए, जबकि डिजिटल वितरक अधिकार सोनी लिव और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रह किया गया है। F3 के 22 जुलाई 2022 को सोनी लिव और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। स्वागत समारोह अमित राजवाब F3 को आमतौर पर आलोचकों से कलाकारों और निर्देशकों के लिए प्रशंसा के साथ अनुकूल प्रतीक्षा मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के लिए लिखने हुए मुरली कृष्णा ने F3 को हंसी दंग कहा। इसे अपने पूर्ववर्ती से बेहतर मानते हुए कृष्णा ने अनिल रविपुरी से मेहनत और प्रदर्शन, विशेष रूप से वेंकटेश और तेज की प्रशंसा की। उसी की प्रतिवंदी करते हुए द हिंदू ने संगीता देवी टंडू ने कहा, कॉमेडी पंचायजी हालांकि आसमान पर्याप्त हंसी लाती है। ये वेंकटेश कम चमकते हैं। द न्यूज मिनट के बालकृष्ण गणेशन ने फिल्म को 5 में से 5 रेटिंग दी और लिखा, F3 ने ज्यादा फ्लॉट नहीं है, लेकिन कॉमेडी इटेंट्स के एक श्रृंखला दर्शकों को बांधे हुए रखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के निश्चित नयनता पति ने फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और F3 की तुलना गोलमाल जैसे कि इसे लाउंड से भी कभी कभी फनी करार दिया। पिंक बिला के अरविंद ने भी फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और लिखा, वेंकटेश का प्रदर्शन चुनाव वर्ती कुछ अन्य लोगों के दृढ़ विश्वास दिखा, लेकिन किसी तरह उसमें अधिकार को एक तारीख उपस्थिति बनाने के लिए नहीं मिला। 3.4 बिलियन की कमाई की महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। पिंकी जो हैदराबाद में एक RTO के एक बैंक के रूप में काम करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। अनुदा के पीड़ित है, लेकिन अपनी विकलांगता को सभी के बताता है। उसके दोस्त वरुण यादव एक अनाथ लाने वाला पैसा बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को योजना बनाते हैं, लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। विकी अपने दोस्त के साथ फरीदा के पारिवारिक रेस्तरां में विदेश करने के बाद अपना बहुत सारा पैसा खो देता है। पैसे की तलाश में वरुण गलती से सनी हरिया के बहन के एक अमीर महिला को समझ लेता है और उससे शादी करने की योजना बनाते हैं। बैंकी वरुण की योजना बनाने के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाते हैं। हनी को उसकी विकलांगता के कारण पहुंचाने के विफल रहते हैं। विकी और वरुण एक स्थानीय जमींदार पाला बेबी से अपने संगीपति उपहार नगद देकर लाखों रुपए खर्च करने के वो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जबकि हरी का परिवार अपना सारा पैसा शहरों में खो देता है। पाला बेबी जो महिलाओं को पूजा करता है, हरिका के परिवार के काटो पूर्ण हरिका के समझौते के बाद कर्ज माफ करने की योजना बनाने के छोड़ देता है। वे सभी अपने मामले को निपटने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां CI नागार्जुन एक ईमानदार पुलिसकर्मी जो अपनी नौकरी खो देता है कगार पर है। अवैध रूप से अर्जित नौकरी और हीरो का चुराने के लिए आयुक्त दिलीप चंद्र
के ऊपर छापा मारने की योजना बनाते हैं। सफलतापूर्वक अपनी योजना को क्रियान्वित करने के और गेमिंग के सामान का एक स्क्रिप्ट करने के बूट में छिपा गया है। फैसला करते हुए वे एक अपहृत लड़की को भी चुराते हैं। अगली सुबह वे डर के मारे दिलीप के सामने अपनी डिकोती कबूल करते हैं। हालांकि उगार गायब हो जाते हैं और चोरी की रकम वापस ना करने का दिलीप को अपनी जान का खतरा है। जब बैंक वरुण हरि का नागराज अहमद बनने के वाले होते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि अरमबीत आनंद शर्मा अपने उड़ाऊ बेटे की तलाश कर रहे हैं। वे उसके स्थान पर जाने का फैसला करते हैं और उसकी बदमती को चुराने के लिए खुद को उसके बेटा को दबा करते हैं। हालांकि आत्महत्या करने के उसकी योजना के बारे में लगभग मर जाते हैं। शुक्र के दुर्भाग्य अवसर पर बचा जाते हैं। वे सभी विजय गर्म में उसके स्थान पर पहुंचते हुए कि वरुण हरि का एक पुरुष भेष है और नागार्जुन द्वारा किराए पर ये एक जूनियर कलाकार खुद को आनंद के बेटे के रूप में प्रस्तुत करता है। सही व्यक्ति कौन है इस बारे में अनिश्चित आनंद रवि को उनके महल में रहता है। वे एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाने की आनंद को प्रभावित करने में पूरी तरह फल रहते हैं। सभी दावेदार आनंद द्वारा की गई कठिन से कठिन परीक्षा में पहले अंतिम प्रवास के रूप में आनंद से घोषणा की कि जो कोई भी अपने F3 खिलौने कारखाने की मुनाफे के लगाएंगे उसे उसका उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। अपने मतभेदों के एक तरफ रखते हुए सभी दावेदार एक साथ मिलकर लाभ प्राप्त करने के लिए एक नए प्रकार का लेखन बनाते हैं। तेलुगु फिल्म में ये पात्रों अमरेश बाहुबली, भब्बर सिंह, अजय कृष्णा, पीरा राघवन, चिप्पी बाबू और बाबू विकी वीरेंद्र कांस्टेबल खिलौने के एक सेट विकसित करते हैं। विक्की अहमद छुपी है और फैक्ट्री मुनाफा कमाती है। वे एक साथ वरुण का चुनाव करने और आनंद को अपने असली उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि आनंद के खुलासा किया कि उन्होंने बिट्टी के कई साल पहले धोखे से फेरा पैसा कमाने के बाद आत्महत्या कर ली गई थी क्योंकि उन्होंने अपनी पिन पोती को बचा लिया था। अनंत ने उनकी खुद को साबित करने के अनुमान दिए और उन्हें द्वारा कमाए गए लाभ की पेशकश की बेची और वरुण को अपनी गलती का एहसास होती है। वे पैसे छोड़ देता है। बाद में आनंद का आपके अधीनस्थी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है जो 100 करोड़ की फिरौती मांगते हैं। बैंकों वरुण और अन्य लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं लेकिन गुंडों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। ब्रॉन्क्स में वे उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है लेकिन जब योजना विफल हो जाती है तो बैंकों तरम और तरुण के वकील साहब के रूप में तैयार करते हैं गुंडों की एक साथ पिटाई करते हैं। जब वे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं पुलिस आती है और सभी को गिरफ्तार करती है। इस बीच कार चुराने वाले चोर ने दिलीप को बताया कि उसने सभी हीरो की नियमित रत्न समझकर रास्तों को हद करने दिया और बाद में अपने खरीदगी के समर्थन से विधायक के रूप में निर्वाचित हो जाता है। दिलीप जो अपने बाहर होने जाता है तो नौकरी उसके साथ एक सहायक के रूप में जुड़ती है। टाला वेंकटेश वेंकी के रूप में, वरुण तेज वरुण यादव के रूप में, तमन्ना हरिका के रूप में, महरीन देरवाजा हनी के रूप में, राजेंद्र प्रसाद के रूप में, CI नागार्जुन, मुरली शर्मा, आनंद प्रसाद के रूप में, मुरली कुट्टी सेनू के रूप में, अमरीका लड़की के रूप में, सोनल चौहान जूनियर कलाकार के रूप में, बेनेला किशोर, गुड्डी वाला मुर्गुदासन के बेटे अली वाला बेबी के रूप में, संपत राज कमिश्नर दिलीप चंद्र के रूप में, बैंकी के साथी के रूप में, रघु बाबू तुलसी बैंकी के सतोली माँ के रूप में, बेकी के पिता के रूप में, गोपना राजू बैंकी के सतोले भाई के रूप में, संयुक्त वर्मा सत्य चोर के रूप में, प्रगति पत्ता हरिका और हनी की माँ के रूप में, हरिका और हरी के पिता के रूप में, प्रदीप कंडीवार्थी हरिका और हनी की नानी के रूप में, भाई विजय अन्नपूर्ण हरिका और हरी की नानी के रूप में, श्रीकांत जयकांत शर्मा के रूप में, आनंद प्रसाद के सहायक पृथ्वीराज बेवले इंजार के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में, तन्नति केला भरदी भूमि मालिक के रूप में, पंडु प्रदर्शन भूमि मालिक की पत्नी के रूप में, राजीना हनी के ड्राइवर के रूप के वासु इंद्रनी गुड्डी के रूप में, दीपा निश्रीवाता विशाल मित्तल के बेटी के रूप में, बुल चिट्ठी बोली के बिगर के रूप में, मीट ऑफ सीनू दीपोशी मोहन बुल चिट्ठी बाबू के प्रोजेक्टन के रूप में, पूजा हेगड़े खुद के रूप में, लाइक अंतरिटा दला गीत के कैमियो उपस्थिति, अनिल अभिमुंडी सय के रूप में, अवस्थाई अस्थाई उत्पादन विकास F2 फलता के बाद F1 फन एंड फाउंडेशन 2019
स्टूडियो के मालिक दिल राजू ने फरवरी 2019 में इसके सीक्वल की घोषणा की। ये कहा कि सीक्वल के लिए तीसरे मुख्य अभिनेता की कास्ट किया जाएगा। हालांकि अप्रैल 2020 में निर्देशक रवि मूडी ने स्पष्ट किया कि तीसरे नायक के लिए बहुत कम जगह थी। मार्च 2021 के एक साक्षात्कार में रवि मूडी ने कहा, F3 F2 का प्रत्येक सीक्वल नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई कहानी जहाँ लेट प्रेस का कारण निराश होने के हुए दिखाया जाता है। अमिताभ वर्मा और कर्मचारी अगली कड़ी में विक्रम तेज प्रसाद, तमन्ना और फिर ज्यादा अपनी भूमिकाओं के दोहरा रहते हैं। F2 के लिए संगीत तैयार करने वाली देवीसी प्रसाद को संगीतकार के रूप में बरकरार रखा गया है। सुनील और मुरली शर्मा ने फिल्म की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किया। अप्रैल 2021 में यह बताया गया है कि अंगली को फिल्म में लिया गया था, हालांकि कभी तक कई आधिकारिक संचार नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद भी एक अलग भूमिका के साथ वापसी के लिए तैयार थे। वेंकटेश एक विनोदी की भूमिका निभाते हैं, जबकि तेज का चरित्र हलचल पीड़ित होगा। सुनील चौहान ने अपनी भूमिका के आश्चर्य बनाने के लिए अक्टूबर 2021 में फिल्म के अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। अप्रैल 2021 में पूजा हेगड़े का एक विशेष गीत के लिए साइन किया गया था। उन्होंने F2 का औपचारिक रूप से 6 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 26 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई। वरुण तेज जनवरी 2021 में निर्माण से शामिल हो गए हैं। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल से जून तक फिल्मांकन रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में 10 दिन के लंबे शेड्यूल के साथ फिल्मांकन फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि फिल्मांकन दिसंबर 2021 में फिर से शुरू हुआ। दिसंबर 2021 में 4 मीनार में फिल्मांकन हुआ और लगभग 65% शूटिंग पूरी हो चुकी है। टॉकी के हिस्से जनवरी 2022 में लपेटे गए थे और केवल एक गाने की शूटिंग बाकी थी। हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष गीत अप्रैल 2022 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर निभाया गया था। F2 27 मई 2022 को रिलीज किया गया था। हिस्से में पहले इसे 27 अगस्त 2021 में रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इसे बाद में 25 फरवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन शिमला नायक के साथ टकराव के बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था, जो इस तारीख को रिलीज हुई थी। इसकी रिलीज की तारीख 28 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे फिर से लंबित किया गया था। आचार्य के साथ टकराव से बचने के लिए इसे वर्तमान तिथि में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्म का रिलीज पूर्व थिएटर वेबसाइट 72 करोड़ था और एक लाभदायक आक्रमक बनने के लिए 30 करोड़ से अधिक की वैश्विक सकल आवश्यकता है। होम मीडिया फिल्म के उपग्रह अधिकांश के लिए तेलुगु में बेचे गए, जबकि डिजिटल वितरक अधिकार सोनी लिव और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रह किया गया है। F3 के 22 जुलाई 2022 को सोनी लिव और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। स्वागत समारोह अमित राजवाब F3 को आमतौर पर आलोचकों से कलाकारों और निर्देशकों के लिए प्रशंसा के साथ अनुकूल प्रतीक्षा मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के लिए लिखने हुए मुरली कृष्णा ने F3 को हंसी दंग कहा। इसे अपने पूर्ववर्ती से बेहतर मानते हुए कृष्णा ने अनिल रविपुरी से मेहर निशक और प्रदर्शन विशेष रूप से वेंकटेश और तेज की प्रशंसा की। उसी की प्रतिबंधी करते हुए द हिंदू ने संगीता देवी दंडू ने कहा, कॉमेडी फ्रेंचाइजी हालांकि आसमान पर्याप्त फंसी लगी है, पर्याप्त हंसी लाती है, ये वेंकटेश कम चमकते हैं। द न्यूज मिनट के बालकृष्ण गणेशन ने फिल्म को 5 में से 5 रेटिंग दी और लिखा, F3 ने ज्यादा फ्लॉट नहीं है लेकिन कॉमेडी एटेंड्स के एक श्रृंखला दर्शकों को बांधे हुए रखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट नयनता पति ने फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और F3 की तुलना गोलमाल फ्रेंचाइजी से की, इसे लाउंड से भी कभी कभी फनी करार दिया। पिंक विला के अरविंद ने भी फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और लिखा, वेंकटेश का प्रदर्शन चुनाव वृत्ति कुछ अन्य लोगों के दृढ़ विश्वास दिखाया, लेकिन किसी तरह उसमें अधिकार को एक तारीख उपस्थिति बनाने के लिए नहीं मिला। 3.4 बिलियन की कमाई की महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। बैंक जो हैदराबाद में एक RTO के एक बैंकर के रूप में काम करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। अनुदा के पीड़ित है लेकिन अपनी विकलांगता को सभी के बताता है। उसके दोस्त वरुण यादव एक अनाथ
खिलाने वाला पैसा बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को योजना बनाते हैं, लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। विकी अपने दोस्त के साथ फरीदा के पारिवारिक रेस्तरां में विदेश करने के बाद अपना बहुत सारा पैसा खो देता है। पैसे की तलाश में वरुण गलती से सनी खड़िया के बहन के एक अमीर महिला को समझ लेता है और उससे शादी करने की योजना बनाते हैं। बैंकी वरुण की योजना बनाने के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाते हैं। हनी को उसकी विकलांगता के कारण पहुंचाने के विफल रहते हैं। विकी और वरुण एक स्थानीय जमींदार पाला बेबी से अपने संगति उपहार नगद देकर लाखों रुपए खर्च करने के वो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जबकि हरि का परिवार अपना सारा पैसा शहरों में खो देता है। पाला बेबी जो महिलाओं को पूजा करता है, हरिका के परिवार के काटो पूर्णा परिका के समझौते के बाद कर्ज माफ करने की योजना बनाने के छोड़ देता है। वे सभी अपने मामले को निपटने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, जहाँ CI नागार्जुन एक ईमानदार पुलिसकर्मी जो अपनी नौकरी खो देता है कगार पर है। अवैध रूप से अर्जित नौकरी और हीरो का चुराने के लिए आयुक्त दिलीप चंद्र के पर छापा मारने की योजना बनाते हैं। सफलतापूर्वक अपनी योजना को क्रियान्वित करने के और केमिक के सामान का एक स्क्रिप्ट करने के बूट में छिपा गया है। पैसा करते हुए वे एक अपहृत लड़की को भी चुराते हैं। अगली सुबह वे डर के मारे दिलीप के सामने अपनी डकैती कबूल करते हैं। हालांकि उगार गायब हो जाते हैं और चोरी की रकम वापस ना करने का दिलीप को अपनी जान का खतरा है। जब बैंक वरुण हरि का नागराज अहमद मरने के वाले होते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि अरमबीत आनंद शर्मा अपने उड़ाऊ बेटे की तलाश कर रहे हैं। वे उसके स्थान पर जाने का फैसला करते हैं और उसकी बदमती को चुराने के लिए खुद को उसके बेटा को दबा करते हैं। हालांकि आत्महत्या करने के उसकी योजना के बारे में लगभग मर जाते हैं। शुक्र के दुर्भाग्य अवसर पर बचा जाते हैं। वे सभी विजय गर्म में उसके स्थान पर पहुंचते हुए कि वरुण हरि का एक पुरुष भेष है और नागार्जुन द्वारा किराए पर यह एक जूनियर कलाकार खुद को आनंद के बेटे के रूप में प्रस्तुत करता है। सही व्यक्ति कौन है इस बारे में अनिश्चित करंद भी को उनके महल में रहता है। एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाने की आनंद को प्रभावित करने में पूरी तरह फल रहते हैं। सभी बाबेदार आनंद द्वारा की गई कठिन से कठिन परीक्षा में पहले अंतिम प्रवास के रूप में आनंद से घोषणा की कि जो कोई भी अपने F3 खिलौने कारखाने की मुनाफे के लगाएंगे उसे उसका उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। अपने मतभेदों के एक तरफ रखते हुए सभी दावेदार एक साथ मिलकर लाभ प्राप्त करने के लिए एक नए प्रकार का लेखन बनाते हैं। तेलुगु फिल्म में ये पात्रों अमरेश बाहुबली, भंबर सिंह, अजय कृष्णा, वीरा राघवन, चिब्बी बाबू और बाबू विकी वीरेंद्र कांस्टेबल खिलौने के एक सेट विकसित करते हैं। विकी अहमद छुपी है और फैक्ट्री वंशत मुनाफा कमाती है। वे एक साथ वरुण का चुनाव करने और आनंद को अपने असली उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि आनंद के खुलासा किया कि उन्होंने बिट्टी के कई साल पहले धोखे से पैसा कमाने के बाद आत्महत्या कर ली है, इसी चूँकि उन्होंने अपनी पिन पोती को बचा लिया था। अनंत ने उनकी खुद को साबित करने के अनुमान दिए और उन्हें द्वारा कमाए गए लाभ की पेशकश की बेची और वरुण को अपनी गलती का एहसास होती है और वे पैसे छोड़ देता है। बाद में अनंत का अपने अधीनस्थी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है जो 100 करोड़ की फिरौती मांगते हैं। बैंकों वरुण और अन्य लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं लेकिन गुंडों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। ब्रांक्स में वे उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है लेकिन जब योजना विफल हो जाती है तो बैंकों धर्म और तरुण के वकील साहब के रूप में तैयार करते हैं गुंडों की एक साथ पिटाई करते हैं। जब वे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं पुलिस आती है और सभी को गिरफ्तार करती है। इस बीच कार चुराने वाले चोर ने दिलीप को बताया कि उसने सभी हीरो की नियमित रत्न समझकर रास्तों को हथकरघा दिया और बाद में अपने खरीदगी के समर्थन से विधायक के रूप में निर्वाचित हो जाता है। दिलीप जो अपने बाहर होने जाता है तो नौकरी उसके साथ एक सहायक के रूप में जुड़ती है। टाला वेंकटेश वेंकी के रूप में, वरुण तेज वरुण यादव के रूप में, तमन्ना हरिया के रूप में, महरीन देरवाजा हनी के रूप में, राजेंद्र प्रसाद के रूप में, CI नागार्जुन, मुरली शर्मा, आनंद प्रसाद के रूप में, उसलिए कुट्टी सेनू के रूप में, अमरीका लड़की के रूप में, सोनल चौहान जूनियर कलाकार के रूप में, बेनेला किशोर, गुड्डी वाला मुरुगदासन के बेटे अली वाला बेबी के रूप में, संपत राज कमिश्नर दिलीप चंद्र के रूप में, बैंकी के साथी के रूप में, रघु बाबू तुलसी बैंकी के सतोली माँ के रूप में, बेकी के पिता के रूप में, गोपनाथ राजू बेंकी के सतोले भाई के रूप में, संयुक्त वर्मा सत्य चोर के रूप में, प्रगति बद्दा हरिका और हनी की माँ के रूप में, हरिका और हरी के पिता के रूप में, प्रदीप कंडीवार्थी हरिका और हनी की नानी के रूप में, भाई विजय अन्नपूर्ण हरिका और हरी की
नानी के रूप में श्रीकांत, जयकांत शर्मा के रूप में आनंद प्रसाद के सहायक पृथ्वीराज, बेवले इंजार के रूप में पुलिस अधिकारी के रूप में तन्नती केला, भरदी भूमि मालिक के रूप में पंडु प्रदर्शन, भूमि मालिक की पत्नी के रूप में राजीना हनी के ड्राइवर के रूप के वासु इंद्रनी, गुड्डी के रूप में दीपा निशिवाता, विशाल मित्तल के बेटी के रूप में बुल चिट्टीबुली, के बिगर के रूप में मीट ऑफ सीनू, दीपोशी मोहन बुल चिट्टीबाबू के प्रोजेक्शन के रूप में पूजा हेगड़े, खुद के रूप में लाइक अंतरिट्टा दला, गीत के कैमियो उपस्थिति अनिल अभिमुंडी, स्वयं के रूप में अवस्थाई अस्थाई उत्पादन विकास फाइव टू सफलता के बाद एफ फन एंड फंडस्टेशन 2019 स्टूडियो के मालिक दिल राजू ने फरवरी 2019 में इसके सीक्वल की घोषणा की। ये कहा कि सीक्वल के लिए तेजरे मुख्य अभिनेता की कास्ट किया जाएगा। हालांकि अप्रैल 2020 में निदेशक रवि मूडी ने स्पष्ट किया कि तीसरे नायक के लिए बहुत कम जगह थी। मार्च 2021 के एक साक्षात्कार में रवि मूडी ने कहा, F3 F2 का प्रत्यक्ष सीक्वल नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई कहानी जहां लेट प्रेस का कारण निराश होने के हुए दिखाया जाता है। अमिताभ वर्मा और कर्मचारी अगली कड़ी में विक्रम तेज प्रसाद, तमन्ना और फिर ज्यादा अपनी भूमिकाओं के दोहरा रहते हैं। फटू के लिए संगीत तैयार करने वाली देवीसी प्रसाद को संगीतकार के रूप में बरकरार रखा गया है। सुनील और मुरली शर्मा ने फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किया। अप्रैल 2021 में ये बताया गया है कि अंगली को फिल्म में लिया गया था, हालांकि कभी तक कई आधिकारिक संचार नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद भी एक अलग भूमिका के साथ वापसी के लिए तैयार थे। वेंकटेश एक अनोदी की भूमिका निभाते हैं, जबकि तेज का चरित्र हलचलित पीड़ित होगा। सुनील चौहान ने अपनी भूमिका के आश्चर्य बनाने के हुए अक्टूबर 2021 में फिल्म के अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। अप्रैल 2021 में पूजा हेगड़े का एक विशेष गीत के लिए साइन किया गया था। उन्होंने एफ टू का औपचारिक रूप से 6 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 26 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई। वरुण तेज जनवरी 2021 में निर्माण से शामिल हो गए हैं। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल से जून तक फिल्मांकन रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में 10 दिन के लंबे शेड्यूल के साथ फिल्मांकन फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि फिल्मांकन दिसंबर 2021 में फिर से शुरू हुआ। दिसंबर 2021 में 4 मीनार में फिल्मांकन हुआ और लगभग 65% शूटिंग पूरी हो चुकी है। टॉकी के हिस्से जनवरी 2022 में लपेटे गए थे और केवल एक गाने की शूटिंग बाकी थी। हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष गीत अप्रैल 2022 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर निभाया गया था। F2 27 मई 2022 को रिलीज किया गया था। हिस्से में पहले इसे 27 अगस्त 2021 में रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इसे बाद में 25 फरवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन शिमला नायक के साथ टकराव के बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था, जो इस तारीख को रिलीज हुई थी। इसकी रिलीज की तारीख 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे फिर से लंबित किया गया था। आचार्य के साथ टकराव से बचने के लिए इसे वर्तमान तिथि में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्म का रिलीज पूर्व थिएटर व्यवसाय 72 करोड़ था और एक लाभदायक आक्रमक बनने के लिए 30 करोड़ से अधिक की वैश्विक सकल आवश्यकता है। होम मीडिया फिल्म के उपलब्ध अधिकांश के लिए तेलुगु में बेचे गए, जबकि डिजिटल वितरक अधिकार सोनी लिव और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रह किया गया है। F3 के 22 जुलाई 2022 को सोनी लिव और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। स्वागत समारोह अमित राजवाब F3 को आमतौर पर आलोचकों से कलाकारों और निर्देशकों के लिए प्रशंसा के साथ अनुकूल प्रतीक्षा मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के लिए लिखने हुए मुरली कृष्णा ने F3 को हंसी दंग कहा। इसे अपने पूर्ववर्ती से बेहतर मानते हुए कृष्णा ने अनिल रविपुरी से मेहनत और प्रदर्शन विशेष रूप से वेंकटेश और तेज की प्रशंसा की। उसी की प्रतिबंधी करते हुए द हिंदू ने संगीता देवी दंडू ने कहा, कॉमेडी जाजी हालांकि आसमान पर्याप्त फंसी लगी है, पर्याप्त हंसी लाती है, ये वेंकटेश कम चमकते हैं। द न्यूज मिनट के बालकृष्ण गणेशन ने फिल्म को 5 में से 5 रेटिंग दी और लिखा, F3 ने ज्यादा फ्लॉट नहीं है, लेकिन कॉमेडी एटेंड्स के एक श्रृंखला दर्शकों को बांधे हुए रखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के निश्चित नयनता पति ने फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और F3 की तुलना गोलमाल फैन जैसे कि इसे लाउंड से भी कभी कभी फनी करार दिया। पिंक विला के अरविंद ने भी फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और लिखा, वेंकटेश का प्रदर्शन
सुनावर्ती कुछ अन्य लोगों के दृढ़ विश्वास दिखाया, लेकिन किसी तरह उसमें अधिकार को एक तारीख उपस्थिति बनाने के लिए नहीं मिला। 3.4 बिलियन की कमाई की महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। बैंकी जो हैदराबाद में एक RTO के एक बैंक के रूप में काम करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। रनौदा के पीड़ित है, लेकिन अपनी विकलांगता को सभी के बताता है। उसके दोस्त वरुण यादव एक अनाथ लाने वाला पैसा बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को योजना बनाते हैं, लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। विकी अपने दोस्त के साथ फरीदा के पारिवारिक रेस्तरां में विदेश करने के बाद अपना बहुत सारा पैसा खो देता है। पैसे की तलाश में वरुण गलती से सनी खड़िया के बहन के एक अमीर महिला को समझ लेता है और उससे शादी करने की योजना बनाते हैं। बैंकी वरुण की योजना बनाने के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाते हैं। हनी को उसकी विकलांगता के कारण पहुँचाने के विफल रहते हैं। विकी और वरुण एक स्थानीय जमींदार पाला बेबी से अपनी संपत्ति उपहार नगद देकर लाखों रुपए खर्च करने के वो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जबकि हरि का परिवार अपना सारा पैसा शहरों में खो देता है। पाला बेबी जो महिलाओं को पूजा करता है, हरिका के परिवार के काटो पूर्ण परिका के समझौते के बाद कर्ज माफ करने की योजना बनाने के छोड़ देता है। वे सभी अपने मामले को निपटने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, जहाँ CI नागार्जुन एक ईमानदार पुलिसकर्मी जो अपनी नौकरी खो देता है कगार पर है। अवैध रूप से अर्जित नौकरी और हीरो का चुराने के लिए आयुक्त दिलीप चंद्र के पर छापा मारने की योजना बनाते हैं। सफलतापूर्वक अपनी योजना का क्रियान्वित करने के और केमिक के सामान का एक स्क्रिप्ट करने के बूट में छिपा गया है। पैसा करते हुए वे एक अपहृत लड़की को भी चुराते हैं। अगली सुबह वे डर के मारे दिलीप के सामने अपनी डकैती कबूल करते हैं, हालांकि उधार गायब हो जाते हैं और चोरी की रकम वापस न करने का दिलीप को अपनी जान का खतरा है। जब बैंक वरुण हरिका नागराज अहमद बनने के वाले होते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि आरंभीत आनंद शर्मा अपने उड़ाऊ बेटे की तलाश कर रहे हैं। वे उसके स्थान पर जाने का फैसला करते हैं और उसकी बदमुक्ति को चुराने के लिए खुद को उसके बेटा को दबा करते हैं। हालांकि आत्महत्या करने के उसकी योजना के बारे में लगभग मर जाते हैं। शुक्र के दुर्भाग्य अवसर पर बचा जाते हैं। वे सभी विजय गर्म में उसके स्थान पर पहुंचते हुए कि वरुण खरीका एक पुरुष भेष है और नागार्जुन द्वारा किराए पर यह एक जूनियर कलाकार खुद को आनंद के बेटे के रूप में प्रस्तुत करता है। सही व्यक्ति कौन है इस बारे में अनिश्चित करण भी को उनके महल में रहता है। एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाने की आनंद को प्रभावित करने में पूरी तरह फल रहते हैं। सभी बाबेदार आनंद द्वारा की गई कठिन से कठिन परीक्षा में पहले अंतिम प्रवास के रूप में आनंद से घोषणा की कि जो कोई भी अपने F3 खिलौने कारखाने की मुनाफे के लगाएंगे उसे उसका उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। अपने मतभेदों के एक तरफ रखते हुए सभी दावेदार एक साथ मिलकर लाभ प्राप्त करने के लिए एक नए प्रकार का लेखन बनाते हैं। तेलुगु फिल्म में के लिए पात्रों अमरेज बाहुबली, भब्बर सिंह, अजय कृष्णा, वीरा राघवन, चिब्बी बाबू और बाबू विकी वीरेंद्र कांस्टेबल खिलौने के एक सेट विकसित करते हैं। विकी अहमद छुपी है और फैक्ट्री मुनाफा कमाती है। वे एक साथ वरुण का चुनाव करने और आनंद को अपने असली उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि आनंद के खुलासा किया कि उन्होंने बिट्टी के कई साल पहले धोखे से पैसा कमाने के बाद आत्महत्या कर ली है, इसी जो कि उन्होंने अपनी पिन पोती को बचा लिया था। आनंद ने उनकी खुद को साबित करने के अनुमान दिए और उन्हें द्वारा कमाए गए लाभ की पेशकश की। बेची और वरुण को अपनी गलती का एहसास होती है और वे पैसे छोड़ देता है। बाद में आनंद का आपके अधीनस्थी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो 100 करोड़ की फिरौती मांगते हैं। बैंकों वरुण और अन्य लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं, लेकिन गुंडों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। ब्रॉन्क्स में वे उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन जब योजना विफल हो जाती है तो बैंकों तरम और तरुण के वकील साहब के रूप में तैयार करते हैं, गुंडों की एक साथ पिटाई करते हैं। जब वे जाने की कोशिश कर रहे होते पुलिस आती है और सभी को गिरफ्तार करती है। इस बीच कार चुराने वाले चोर ने दिलीप को बताया कि उसने सभी हीरो की नियमित रत्न समझकर रास्तों को हथकरघा दिया और बाद में अपने खरीदगी के समर्थन से विधायक के रूप में निर्वाचित हो जाता है। दिलीप जो अपने बाहर होने जाता है तो नौकरी उसके साथ एक सहायक के रूप में जुड़ती है। लाला वेंकटेश बैंकी के रूप में, वरुण तेज वरुण यादव के रूप में, तमन्ना हरिका के रूप में, महरीन देरवाजा हनी के रूप में, राजेंद्र प्रसाद के रूप में, CI नागार्जुन, मुरली शर्मा, आनंद प्रसाद के रूप में, मुस्लिम कुट्टी सेनू के रूप में, अमेरिका लड़की के रूप में, सोनल चौहान, जूनियर कलाकार के रूप में, बेनेला किशोर, गुड्डी वाड़ा
मुरुगदासन के बेटे अली वाला बेबी के रूप में, संपत राज कमिश्नर दिलीप चंद्र के रूप में, बेंकी के साथी के रूप में रघु बाबू, तुलसी बेंकी के सतोली माँ के रूप में, बेकी के पिता के रूप में गोपनाथ राजू, बेंकी के सतोले भाई के रूप में समित वर्मा, सत्य चोर के रूप में प्रगति बद्दा, हरिका और हनी की माँ के रूप में हरिका और हरी के पिता के रूप में प्रदीप कंडीवार्थी, हरिका और हनी की नानी के रूप में भाई विजय अन्नपूर्ण, हरिका और हरी की नानी के रूप में श्रीकांत जयकांत शर्मा के रूप में, आनंद प्रसाद के सहायक पृथ्वीराज बेवले इंजार के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में तन्नति केला, भरदी भूमि मालिक के रूप में पंडू प्रदर्शन, भूमि मालिक की पत्नी के रूप में राजीना हनी के, ड्राइवर के रूप के वासु इंद्रनी, गुड्डी के रूप में दिवस दिवासिवाता, विशाल मित्तल के बेटी के रूप में बुल चिट्टी बोली, के बिगर के रूप में मीट ऑफ सीनु, दीपोशी मोहन बुल चिट्टी बाबू के प्रोजेक्शन के रूप में पूजा हेगड़े, खुद के रूप में लाइक अंतरिट्टा दला, गीत के कैमियो उपस्थिति अनिल अभिमुंडी, स्वयं के रूप में अवस्थाई अस्थाई उत्पादन विकास फाइव टू सफलता के बाद एफ फन एंड फाउंडेशन 2019 स्टूडियो के मालिक दिल राजू ने फरवरी 2019 में इसके सीक्वल की घोषणा की। ये कहा कि सीक्वल के लिए तीसरे मुख्य अभिनेता की कास्ट किया जाएगा। हालांकि अप्रैल 2020 में निर्देशक रवि मूडी ने स्पष्ट किया कि तीसरे नायक के लिए बहुत कम जगह थी। मार्च 2021 के एक साक्षात्कार में रवि मूडी ने कहा, F3 F2 का प्रत्यक्ष सीक्वल नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई कहानी जहाँ लेट प्रेस का कारण निराश होने के हुए दिखाया जाता है। अमिताभ वर्मा और कर्मचारी अगली कड़ी में वीकेंड के तेज साथ तमन्ना और फिर ज्यादा अपनी भूमिकाओं के दोहरा रहते हैं। फिटू के लिए संगीत तैयार करने वाली देवीसी प्रसाद को संगीतकार के रूप में बरकरार रखा गया है। सुनील और मुरली शर्मा ने फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हकांत कर किया। अप्रैल 2021 में ये बताया गया है कि अंगली को फिल्म में लिया गया था, हालांकि कभी तक कई आधिकारिक संचार नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद भी एक अलग भूमिका के साथ वापसी के लिए तैयार थे। वेंकटेश एक अनोदी की भूमिका निभाते हैं, जबकि तेज का चरित्र हलचल पीड़ित होगा। सुनील चौहान ने अपनी भूमिका के आश्चर्य बनाने के लिए अक्टूबर 2021 में फिल्म के अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। अप्रैल 2021 में पूजा हेगड़े का एक विशेष गीत के लिए साइन किया गया था। उन्होंने F2 का औपचारिक रूप से 6 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 26 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई। वरुण तेज जनवरी 2021 में निर्माण से शामिल हो गए हैं। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल से जून तक फिल्मांकन रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में 10 दिन के लंबे शेड्यूल के साथ फिल्मांकन फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि फिल्मांकन दिसंबर 21 में फिर से शुरू हुआ। दिसंबर 21 में 4 मीनार में फिल्मांकन हुआ और लगभग 65% शूटिंग पूरी हो चुकी है। टॉकी के हिस्से जनवरी 2022 में लपेटे गए थे और केवल एक गाने की शूटिंग बाकी थी। हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष गीत अप्रैल 2022 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर निभाया गया था। F2 27 मई 2022 को रिलीज किया गया था। हिस्से में पहले दूसरे हिस्से 27 अगस्त 2021 में रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इसे बाद में 25 फरवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन इमरान नायक के साथ टकराव के बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था, जो इस तारीख को रिलीज हुई थी। इसकी रिलीज की तारीख 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे फिर से लंबित किया गया था। आचार्य के साथ टकराव से बचने के लिए इसे वर्तमान तिथि में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्म का रिलीज पूर्व थिएटर वेबसाइट 72 करोड़ था और एक लाभदायक आक्रमक बनने के लिए 130 करोड़ से अधिक की वैश्विक सकल आवश्यकता है। होम मीडिया फिल्म के उपयोग अधिकांश के लिए तेलुगु में बेचे गए, जबकि डिजिटल वितरक अधिकार सोनी लिव और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है। F3 के 22 जुलाई 2022 को सोनी लिव और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। स्वागत समारोह अमित राजवाब F3 को आमतौर पर आलोचकों से कलाकारों और निर्देशकों के लिए प्रशंसा के साथ अनुकूल प्रतीक्षा मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के लिए लिखने हुए मुरली कृष्णा ने F3 को हंसी दंग कहा। इसे अपने पूर्ववर्ती से बेहतर मानते हुए कृष्णा ने अनिल रविपुरी से मेहनतक और प्रदर्शन विशेष रूप से वेंकटेश और तेज की प्रशंसा की। उसी की प्रतिबंधी करते हुए द हिंदू ने संगीता देवी डंडू ने कहा, कॉमेडी फ्रेंचाइजी हालांकि आसमान पर्याप्त हंसी लाती है, ये
वेंकटेश कम चमक थे। द न्यूज मिनट के बालकृष्ण गणेशन ने फिल्म को 5 में से 5 रेटिंग दी और लिखा, F3 ने ज्यादा फ्लॉट नहीं है लेकिन कॉमेडी इटेंट्स के एक श्रृंखला दर्शकों को बांधे हुए रखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के इंस्टीट नयनता पति ने फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और F3 की तुलना गोलमाल जैसे कि इसे लाउंड से भी कभी कभी फनी करार दिया। पिंक विला के अरविंद ने भी फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और लिखा, वेंकटेश का प्रदर्शन चुनाव वर्ती कुछ अन्य लोगों के दृढ़ विश्वास दिखाया लेकिन किसी तरह उसमें अधिकार को एक तारीख उपस्थिति बनाने के लिए नहीं मिला। 3.4 बिलियन की कमाई की महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। वेंकी जो हैदराबाद में एक RTO के एक बैंक के रूप में काम करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। अनुराधा के पीड़ित है लेकिन अपनी विकलांगता को सभी के बताता है। उसके दोस्त वरुण यादव एक अनाथ लाने वाला पैसा बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को योजना बनाते हैं लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। विकी अपने दोस्त के साथ फरीदा के पारिवारिक रेस्तरा में विदेश करने के बाद अपना बहुत सारा पैसा खो देता है। पैसे की तलाश में वरुण गलती से सनी खड़िया के बहन के एक अमीर महिला समझ लेता है और उससे शादी करने की योजना बनाते हैं। वेंकी वरुण की योजना बनाने के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाते हैं। हनी को उसकी विकलांगता के कारण पहुंचाने के विफल रहते हैं। विकी और वरुण एक स्थानीय जमींदार पाला बेबी से अपने संपत्ति उपहार नगद देकर लाखों रुपए खर्च करने के वो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है जबकि हरिका परिवार अपना सारा पैसा शहरों में खो देता है। पाला बेबी जो महिलाओं को पूजा करता है हरिका के परिवार के काटो पूर्ण परिका के समझौते के बाद कर्ज माफ करने की योजना बनाने के छोड़ देता है। वे सभी अपने मामले को निपटने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं जहाँ CI नागार्जुन एक ईमानदार पुलिसकर्मी जो अपनी नौकरी खो देता है कगार पर है। अवैध रूप से अर्जित नौकरी और हीरो का चुराने के लिए आयुक्त दिलीप चंद्र के पर छापा मारने की योजना बनाते हैं। सफलतापूर्वक अपनी योजना का क्रियान्वित करने के और गेमिंग के सामान का एक स्क्रिप्ट करने के बूट में छिपा गया है। पैसा करते हुए वे एक अपहृत लड़की को भी चुराते हैं। अगली सुबह वे डर के मारे दिलीप के सामने अपनी डिकोती कबूल करते हैं। हालांकि उगार गायब हो जाते हैं और चोरी की रकम वापस ना करने का दिलीप को अपनी जान का खतरा है। जब बैंक वरुण हरिका नागराज अहमद मरने के वाले होते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि अरमबीत आनंद शर्मा अपने उड़ाऊ बेटे की तलाश कर रहे हैं। वे उसके स्थान पर जाने का फैसला करते हैं और उसकी बदमती को चुराने के लिए खुद को उसके बेटा को दबा करते हैं। हालांकि आत्महत्या करने के उसकी योजना के बारे में लगभग मर जाते हैं। शुक्र के दुर्भाग्य अवसर पर बचा जाते हैं। वे सभी विजय क्रम में उस स्थान पर पहुंचते हुए कि वरुण हरिका एक पुरुष भेष है और नागार्जुन द्वारा किराए पर ये एक जूनियर कलाकार खुद को आनंद के बेटे के रूप में प्रस्तुत करता है। सही व्यक्ति कौन है इस बारे में अनिश्चित करंद भी को उनके महल में रहता है। एक वे एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाने की आनंद को प्रभावित करने में पूरी तरह सफल रहते हैं। सभी बावेदार आनंद द्वारा की गई कठिन से कठिन परीक्षा में पहले अंतिम प्रवास के रूप में आनंद से घोषणा की कि जो कोई भी अपने F3 खिलौने कारखाने की मुनाफे के लगाएंगे उसे उसका उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। अपने मतभेदों के एक तरफ रखते हुए सभी दावेदार एक साथ मिलकर लाभ प्राप्त करने के लिए एक नए प्रकार का लेखन बनाते हैं। तेलुगु फिल्म में ये पात्र अमरेश बाहुबली भंबर सिंह अजय कृष्णा वीरा राघवन चिप्पी बाबू और बाबू विकी वीरेंद्र कांस्टेबल खिलौने के एक सेट विकसित करते हैं। विकी अहमद छुपी है और फैक्ट्री वंशत मुनाफा कमाती है। वे एक साथ वरुण का चुनाव करने और आनंद को अपने असली उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि आनंद के खुलासा किया कि उन्होंने बिट्टी के कई साल पहले धोखे से पैसा कमाने के बाद आत्महत्या कर ली गई थी क्योंकि उन्होंने अपनी पिन पोती को बचा लिया था। अनंत ने उनकी खुद को साबित करने के अनुमान दिए और द्वारा कमाए गए लाभ की पेशकश की बेची और वरुण को अपनी गलती का एहसास होती है और वे पैसे छोड़ देता है। बाद में आनंद का आपके अधीनस्थी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है जो 100 करोड़ की फिरौती मांगते हैं। बैंकों वरुण और अन्य लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं लेकिन गुंडों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। ब्रॉन्क्स में वे उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है लेकिन जब योजना विफल हो जाती है तो बैंकों तरुण और तरुण के वकील साहब के रूप में तैयार करते हैं गुंडों की एक साथ पिटाई करते हैं। जब वे जाने की कोशिश कर रहे होते पुलिस आती है और सभी को गिरफ्तार करती है। इस बीच कार चुराने वाले चोर ने दिलीप को बताया कि उसने सभी
हीरो की नियमित रत्न समझकर रास्तों को हथकरघा दिया और बाद में अपने खरीदगी के समर्थन से विधायक के रूप में निर्वाचित हो जाता है। दिलीप जो अपने बाहर होने जाता है तो नौकरी उसके साथ एक सहायक के रूप में जुड़ती है। लाला वेंकटेश वेंकी के रूप में, वरुण तेज वरुण यादव के रूप में, तमन्ना हरिया के रूप में, महरीन देरवाजा हनी के रूप में, राजेंद्र प्रसाद के रूप में, सी आई नागार्जुन, मुरली शर्मा, आनंद प्रसाद के रूप में, मुस्लिम कुट्टी सेनू के रूप में, अमरीका लड़की के रूप में, सोनल चौहान जूनियर कलाकार के रूप में, बेनेला किशोर गुड्डी वाला मुरुगदासन के बेटे अली वाला बेबी के रूप में, संपत राज कमिश्नर दिलीप चंद्र के रूप में, बैंकी के साथी के रूप में, रघु बाबू तुलसी बैंकी के सतोली माँ के रूप में, बेकी के पिता के रूप में, गोपनाथ राजू बैंकी के सतोले भाई के रूप में, संयुक्त वर्मा सत्य चोर के रूप में, प्रगति बद्दा हरिका और हनी की माँ के रूप में, हरिका और हरी के पिता के रूप में, प्रदीप कंडीवार्थी हरिका और हनी की नानी के रूप में, भाई विजय अन्नपूर्ण हरिका और हरी की नानी के रूप में, श्रीकांत जयकांत शर्मा के रूप में, आनंद प्रसाद के सहायक पृथ्वीराज बेवले इंजार के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में, तन्नती केला भरदी भूमि मालिक के रूप में, पंडु प्रदर्शन भूमि मालिक की पत्नी के रूप में, राजीना हनी के ड्राइवर के रूप के, वासु इंद्रनी गुड्डी के रूप में, दिवसी दीपा निशिवाता विशाल मित्तल के बेटी के रूप में, बुल चिट्ठी बोली के बिगर के रूप में, मीट ऑफ सीनू दीपोशी मोहन बुल चिट्ठी बाबू के प्रोजेक्टन के रूप में, पूजा हेगड़े खुद के रूप में, लाइक अंत रिट्टा दला गीत के कैमियो उपस्थिति, अनिल अभिमुंडी सैन के रूप में, अवस्थाई अस्थाई उत्पादन विकास फाइफ टू सफलता के बाद एफ फन एंड फंडस्टेशन 2019 स्टूडियो के मालिक दिल राजू ने फरवरी 2019 में इसके सीक्वल की घोषणा की। ये कहा कि सीक्वल के लिए तीसरे मुख्य अभिनेता की कास्ट किया जाएगा। हालांकि अप्रैल 2020 में निर्देशक रवि मूडी ने स्पष्ट किया कि तीसरे नायक के लिए बहुत कम जगह थी। मार्च 2021 के एक साक्षात्कार में रवि मूडी ने कहा, F3 का प्रत्यक्ष सीक्वल नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई कहानी जहाँ लीड प्रेस का कारण निराश होने के हुए दिखाया जाता है। अमिताभ वर्मा और कर्मचारी अगली कड़ी में विक्रम तेज प्रसाद तमन्ना और पीरजादा अपनी भूमिकाओं के दोहरा रहते हैं। फटू के लिए संगीत तैयार करने वाली देवीसी प्रसाद को संगीतकार के रूप में बरकरार रखा गया है। सुनील और मुरली शर्मा ने फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हकांत कर किया। अप्रैल 2021 में ये बताया गया है कि अंगली को फिल्म में लिया गया था, हालांकि कभी तक कई आधिकारिक संचार नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद भी एक अलग भूमिका के साथ वापसी के लिए तैयार थे। वेंकटेश एक अनोदी की भूमिका निभाते हैं जबकि तेज का चरित्र हल्के प्रीत होगा। सुनील चौहान ने अपनी भूमिका के आश्चर्य बनाने के लिए अक्टूबर 2021 में फिल्म के अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। अप्रैल 2021 में पूजा हेगड़े का एक विशेष गीत के लिए साइन किया गया था। उन्होंने एफ टू का औपचारिक रूप से 6 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 26 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई। वरुण तेज जनवरी 2021 में निर्माण से शामिल हो गए हैं। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल से जून तक फिल्मांकन रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में 10 दिन के लंबे शेड्यूल के साथ फिल्मांकन फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि फिल्मांकन दिसंबर 2021 में फिर से शुरू हुआ। दिसंबर 2021 में चार मीनार में फिल्मांकन हुआ और लगभग 65% शूटिंग पूरी हो चुकी है। टॉकी के हिस्से जनवरी 2022 में लपेटे गए थे और केवल एक गाने की शूटिंग बाकी थी। हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष गीत अप्रैल 2022 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर निभाया गया था। F2 27 मई 2022 को रिलीज किया गया था। हिस्से में पहले इसे 27 अगस्त 2021 में रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इसे बाद में 25 फरवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन शिमला नायक के साथ टकराव के बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था, जो इस तारीख को रिलीज हुई थी। इसकी रिलीज की तारीख 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की हुई थी, लेकिन इसे फिर से लंबित किया गया था। आचार्य के साथ टकराव से बचने के लिए इसे वर्तमान तिथि में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्म का रिलीज पूर्व थिएटर वेबसाइट 72 करोड़ था और एक लाभदायक आक्रमक बनने के लिए 30 करोड़ से अधिक की वैश्विक सकल आवश्यकता है। होम मीडिया फिल्म के ऊपर अधिकांश के लिए तेलुगु में बेचे गए, जबकि डिजिटल वितरक अधिकार सोनी लिव और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है। एफ टू
F3 के 22 जुलाई 2022 को सोनी लीव और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। स्वागत समारोह अमित राजवाब F3 को आमतौर पर आलोचकों से कलाकारों और निर्देशकों के लिए प्रशंसा के साथ अनुकूल प्रतीक्षा मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के लिए लिखने हुए मुरली कृष्णा ने F3 को हंसी दंग कहा। इसे अपने पूर्ववर्ती से बेहतर मानते हुए कृष्णा ने अनिल अभिपुरी से मेहनत और प्रदर्शन विशेष रूप से वेंकटेश और तेज की प्रशंसा की। उसी की प्रतिबंधी करते हुए द हिंदू ने संगीता देवी डंडू ने कहा, कॉमेडी मिजाजी हालांकि आसमान पर्याप्त फंसी लगी है, पर्याप्त हंसी लाती है, ये वेंकटेश कम चमकते हैं। द न्यूज मिनट के बालकृष्ण गणेश ने फिल्म को 5 में से 5 रेटिंग दी और लिखा, F3 ने ज्यादा फ्लॉट नहीं है लेकिन कॉमेडी एटेंड्स के एक श्रृंखला दर्शकों को बांधे हुए रखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के शीत नयनता पति ने फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और F3 की तुलना गोलमाल फैन जैसे कि इसे लाउंड से भी कभी कभी फनी करार दिया। पिंक विला के अरविंद ने भी फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और लिखा, वेंकटेश का प्रदर्शन चुनावी कुछ अन्य लोगों के दृढ़ विश्वास दिखाया लेकिन किसी तरह उसमें अधिकार को एक तारीख उपस्थिति बनाने के लिए नहीं मिला। 3.4 बिलियन की कमाई की महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई। बैंक जो हैदराबाद में एक RTO के एक बैंक के रूप में काम करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। अनुदा के पीड़ित है लेकिन अपनी विकलांगता को सभी के बताता है। उसके दोस्त वरुण यादव एक अनाथ लाने वाला पैसा बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को योजना बनाते हैं लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। विकी अपने दोस्त के साथ फरीदा के पारिवारिक रेस्तरां में विदेश करने के बाद अपना बहुत सारा पैसा खो देता है। पैसे की तलाश में वरुण गलती से सनी खड़िया के बहन के एक अमीर महिला को समझ लेता है और उससे शादी करने की योजना बनाते हैं। बैंकी वरुण की योजना बनाने के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाते हैं। हनी को उसकी विकलांगता के कारण पहुंचाने के विफल रहते हैं। विकी और वरुण एक स्थानीय जमींदार पाला बेबी से अपनी संपत्ति उपहार नगद देकर लाखों रुपए खर्च करने के वो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है जबकि हरि का परिवार अपना सारा पैसा शहरों में खो देता है। पाला बेबी जो महिलाओं को पूजा करता है हरिका के परिवार के काटो पूर्ण परिका के समझौते के बाद कर्ज माफ करने की योजना बनाने के छोड़ देता है। वे सभी अपने मामले को निपटने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां CI नागार्जुन एक ईमानदार पुलिसकर्मी जो अपनी नौकरी खो देता है कगार पर है। अवैध रूप से अर्जित नौकरी और हीरो का चुराने के लिए आयुक्त दिलीप चंद्र के पर छापा मारने की योजना बनाते हैं। सफलतापूर्वक अपनी योजना का क्रियान्वित करने के और गेमिंग के सामान का एक स्क्रिप्ट करने के बूट में छिपा गया है। पैसा करते हुए वे एक अपहृत लड़की को भी चुराते हैं। अगली सुबह वे डर के मारे दिलीप के सामने अपनी डकैती कबूल करते हैं हालांकि उगार गायब हो जाते हैं और चोरी की रकम वापस न करने का दिलीप को अपनी जान का खतरा है। जब बैंक और वरुण हरि का नागराज अहमद बनने के वाले होते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि अरमबीत आनंद शर्मा अपने उड़ाऊ बेटे की तलाश कर रहे हैं। वे उसके स्थान पर जाने का फैसला करते हैं और उसकी बदमती को चुराने के लिए खुद को उसके बेटा को दबा करते हैं। हालांकि आत्महत्या करने के उसकी योजना के बारे में लगभग मर जाते हैं। शुक्र के दुर्भाग्य अवसर पर बचा जाते हैं। वे सभी विजय क्रम में उसके स्थान पर पहुंचते हुए कि वरुण हरिका एक पुरुष देश से और नागार्जुन द्वारा किराए पर एक जूनियर कलाकार खुद को आनंद के बेटे के रूप में प्रस्तुत करता है। सही व्यक्ति कौन है इस बारे में अनिश्चित करण रवि को उनके महल में रहता है। एक वे एक दूसरे के खिलाफ योजना बनाने की आनंद को प्रभावित करने में पूरी तरह फुल रहते हैं। सभी दावेदार आनंद द्वारा की गई कठिन से कठिन परीक्षा में पहले अंतिम प्रवास के रूप में आनंद से घोषणा की कि जो कोई भी अपने F3 खिलौने कारखाने की मुनाफे के लगाएंगे उसे उसका उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। अपने मतभेदों के एक तरफ रखते हुए सभी दावेदार एक साथ मिलकर लाभ प्राप्त करने के लिए एक नए प्रकार का लेखन बनाते हैं। तेलुगु फिल्म में ये पात्र अमरेश बाहुबली भब्बर सिंह अजय कृष्णा वीरा राघवन चिब्बी बाबू और बाबू विकी वीरेंद्र कांस्टेबल खिलौने के एक सेट विकसित करते हैं। विकी अहमद छुपी है और फैक्ट्री मुनाफा कमाती है। वे एक साथ वरुण का चुनाव करने और आनंद को अपने असली उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि आनंद के खुलासा किया कि उन्होंने बिट्टी के कई साल पहले धोखे से पैसा कमाने के बाद आत्महत्या कर ली है इसी चूंकि उन्होंने अपनी पिन पोती को बचा लिया था। आनंद ने उनकी खुद को साबित करने के अनुमान दिए और उन्होंने द्वारा कमाए गए लाभ की पेशकश की।
और वरुण को अपनी गलती का एहसास होती है, वह पैसे छोड़ देता है। बाद में अनंत का अपने अधीनस्थी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो 100 करोड़ की फिरौती मांगते हैं। बैंकों वरुण और अन्य लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं, लेकिन गुंडों द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। ब्रॉन्क्स में वे उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन जब योजना विफल हो जाती है तो बैंकों तरम और तरुण के वकील साहब के रूप में तैयार करते हैं, गुंडों की एक साथ पिटाई करते हैं। जब वे जाने की कोशिश कर रहे होते, पुलिस आती है और सभी को गिरफ्तार करती है। इस बीच कार चुराने वाले चोर ने दिलीप को बताया कि उसने सभी हीरो की नियमित रत्न समझकर रास्तों को हथकरघा दिया और बाद में अपने खरीदगी के समर्थन से विधायक के रूप में निर्वाचित हो जाता है। दिलीप जो अपने बाहर होने जाता है तो नौकरी उसके साथ एक सहायक के रूप में जुड़ती है। टनला वेंकटेश वेंकी के रूप में, वरुण तेज वरुण यादव के रूप में, तमन्ना हरिया के रूप में, महरीन देरवाजा हनी के रूप में, राजेंद्र प्रसाद के रूप में, सी आई नागार्जुन, मुरली शर्मा, आनंद प्रसाद के रूप में, मुरली कुट्टी सेनू के रूप में, अमरीका लड़की के रूप में, सोनल चौहान जूनियर कलाकार के रूप में, बेनेला किशोर गुड्डीवाड़ा मुरुगदासन के बेटे अली वाला बेबी के रूप में, संपत राज कमिश्नर दिलीप चंद्र के रूप में, बैंकी के साथी के रूप में, रघु बाबू तुलसी बैंकी की सतोली माँ के रूप में, बेकी के पिता के रूप में, गोपनाथ राजू बेकी के सतोले भाई के रूप में, संयुक्त वर्मा सत्य चोर के रूप में, प्रगति बरपद्दा हरिका और हनी की माँ के रूप में, हरिका और हरी के पिता के रूप में, प्रदीप कंडीवार्थी हरिका और हनी की नानी के रूप में, भाई विजय अन्नपूर्ण हरिका और हरी की नानी के रूप में, श्रीकांत जयकांत शर्मा के रूप में, आनंद प्रसाद के सहायक पृथ्वीराज बेवले इंजार के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में, तन्नति केला भरदी भूमि मालिक के रूप में, पंडु प्रदर्शन भूमि मालिक की पत्नी के रूप में, राजीना हनी के ड्राइवर के रूप के, वासु इंद्रनी गुड्डी के रूप में, दीपा शिवाता विशाल मित्तल के बेटी के रूप में, बुल चिटिबुली के बिगर के रूप में, मीट ऑफ सीनु दीपोशी मोहन बुल चिटिबाबू के प्रोजेक्टन के रूप में, पूजा हेगड़े खुद के रूप में, लाइक अंत रिट्टा मंदाला गीत के कैमियो उपस्थिति, अनिल अभिमुंडी स्वयं के रूप में, अवस्थाई अस्थाई उत्पादन विकास 5-2 फलता के बाद एफ फन एंड फंडस्टेशन 2019 स्टूडियो के मालिक दिल राजू ने फरवरी 2019 में इसके सीक्वल की घोषणा की। ये कहा कि सीक्वल के लिए तीसरे मुख्य अभिनेता की कास्ट किया जाएगा। हालांकि अप्रैल 2020 में निर्देशक रवि मूडी ने स्पष्ट किया कि तीसरे नायक के लिए बहुत कम जगह थी। मार्च 2021 के एक साक्षात्कार में रवि मूडी ने कहा, F3 F2 का प्रत्यक्ष सीक्वल नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई कहानी जहाँ लेट प्रेस का कारण निराश होने के हुए दिखाया जाता है। अमिताभ वर्मा और कर्मचारी अगली कड़ी में विक्रम तेज प्रसाद तमन्ना और फिर ज्यादा अपनी भूमिकाओं के दोहरा रहते हैं। F2 के लिए संगीत तैयार करने वाली देवीसी प्रसाद को संगीतकार के रूप में बरकरार रखा गया है। सुनील और मुरली शर्मा ने फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हकंद कर किया। अप्रैल 2021 में ये बताया गया है कि अंगली को फिल्म में लिया गया था, हालांकि कभी तक कई आधिकारिक संचार नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद भी एक अलग भूमिका के साथ वापसी के लिए तैयार थे। वेंकटेश एक अनोदी की भूमिका निभाते हैं, जबकि तेज का चरित्र हल्कित प्रीत होगा। सुनील चौहान ने अपनी भूमिका के आश्चर्य बनाने के लिए अक्टूबर 2021 में फिल्म के अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। अप्रैल 2021 में पूजा हेगड़े का एक स्पेशल गीत के लिए साइन किया गया था। उन्होंने F2 का औपचारिक रूप से 6 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 26 दिसंबर 2020 को हैदराबाद में शुरू हुई। वरुण तेज जनवरी 2021 में निर्माण से शामिल हो गए हैं। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल से जून तक फिल्मांकन रोक दिया गया था। जुलाई 2021 में 10 दिन के लंबे शेड्यूल के साथ फिल्मांकन फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि फिल्मांकन दिसंबर 21 में फिर से शुरू हुआ। दिसंबर 2021 में 4 मीनार में फिल्मांकन हुआ और लगभग 65% शूटिंग पूरी हो चुकी है। टॉकी के हिस्से जनवरी 2022 में लपेटे गए थे और केवल एक गाने की शूटिंग बाकी थी। हेगड़े की विशेषता वाला एक विशेष गीत अप्रैल 2022 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर निभाया गया था। F2 27 मई 2022 को रिलीज किया गया था। हिस्से में पहले 27 अगस्त 2021 में रिलीज किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इसे बाद में 25 फरवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन शिमला
इमरान नायक के साथ टकराव के बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था, जो इस तारीख को रिलीज हुई थी। इसकी रिलीज की तारीख 30 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे फिर से लंबित किया गया था। आचार्य के साथ टकराव से बचने के लिए इसे वर्तमान तिथि में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्म का रिलीज पूर्व थिएटर व्यवसाय 72 करोड़ था और एक लाभदायक आक्रमक बनने के लिए 30 करोड़ से अधिक की बिस्टिक सकल हो सकता है। होम मीडिया फिल्म के उपलब्ध अधिकांश के लिए तेलुगु में बेचे गए, जबकि डिजिटल वितरक अधिकार सोनी लिव और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है। F3 के 22 जुलाई 2022 को सोनी लिव और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था। स्वागत समारोह अमित राजवाब F3 को आमतौर पर आलोचकों से कलाकारों और निर्देशकों के लिए प्रशंसा के साथ अनुकूल प्रतीक्षा मिली। सिनेमा एक्सप्रेस के लिए लिखने हुए मुरली कृष्णा ने F3 को हंसी दंग कहा। इसे अपने पूर्ववर्ती से बेहतर मानते हुए कृष्णा ने अनिल रविपुरी से मेहन और प्रदर्शन विशेष रूप से वेंकटेश और तेज की प्रशंसा की। उसी की प्रतिबंधी करते हुए द हिंदू ने संगीता देवी दंडू ने कहा, कॉमेडी फ्रेंचाइजी हालांकि आसमान पर्याप्त हंसी लाती है, ये वेंकटेश कम चमकते हैं। द न्यूज मिनट के बालकृष्ण गणेशन ने फिल्म को 5 में से 5 रेटिंग दी और लिखा, F3 ने ज्यादा फ्लॉट नहीं है लेकिन कॉमेडी एटेंड्स के एक श्रृंखला दर्शकों को बांधे हुए रखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट नयनता पति ने फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और F3 की तुलना गोलमाल जैसे कि इसे लाउंड से भी कभी कभी फनी करार दिया। पिंक विला के अरविंद ने भी फिल्म को 2.55 की रेटिंग दी और लिखा, वेंकटेश का प्रदर्शन चुनाव प्रति कुछ अन्य लोगों के दृढ़ विश्वास दिखाया लेकिन किसी तरह उसमें अधिकार को एक तारीख उपस्थिति बनाने के लिए नहीं मिला।